कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण कि महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। थ्री की कहानी क्या है और ये कब आ रही है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ 2 रिलीज हो चुकी है। केजीएफ चैप्टर 2 को शानदार रिव्यू मिले हैं और फैंस इस फिल्म के लिए इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि वे केजीएफ 3 की डिमांड करने लगे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर KGF3 # ट्रेंड होने लगा है। फैंस निर्देशक प्रशांत नील से लगातार सवाल कर रहे हैं कि KGF3 कब आ रही। वहीं कुछ यूजर ने ये भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि KGF3 पर काम शुरू हो चुका है। अब इन सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत नील ने कहा है, अगर KGF2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती है तो वो KGF3 बनाएंगे। अब KGF2 ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, तो इसका मतलब ये है कि प्रशांत नील KGF3 का निर्माण जरूर करेंगे। KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म की रेटिंग शानदार रही है। इतना ही नहीं, KGF 2 ने अब तक के कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जहां KGF 2 की कहानी इंडिया में ही बेस्ड थी, वहीं अब KGF 3 की कहानी इंटरनेशनल होने जा रही। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसमें बताया जाता है कि रॉकी ने देश के बाहर भी बहुत सा कोहराम मचाया था। अब KGF 3 में उस कोहराम को दिखाया जाएगा, किस प्रकार से आप सबके पसंदीदा रॉकी भाई ने देश के बाहर जाकर के वहां के गुंडों को कैसे धूल चटाई है, वो कहानी दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि रॉकी के कारनामों को फिर से दिखाया जाएगा और आप उनको इंटरनेशनल गुंडों को धोते हुए देखेंगे और फिर से आपको एक और नई लव स्टोरी दिखाई देगी, क्योंकि जब रॉकी भाई बाहर जाते हैं तो उनका वहां पर एक अफेयर भी। उस प्रेम कहानी को भी KGF 3 में दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, संजय दत्त ने शानदार अभिनय किया था। वहीं KGF 3 में विलन के रोल के लिए हॉलीवुड से किन एक्टरों को साइन किया जाता है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या KGF 2 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी? KGF कैसे 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी? स्टार यश की फिल्म KGF की दूसरी किस्त रिलीज हुए 3 दिन हुए हैं, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ लोग फिल्म की तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म कमाई के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 2 दिन में फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही सिर्फ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है। वहीं ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक 290 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। कमाई के मामले में KGF की बल्ले बल्ले हो रही है। स्टार यश
की KGF 2 ने रिलीज के पहले दिन से ही करामात करना शुरू कर दिया। पहले दिन 53.95 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 46.79 करोड़ रुपए की कमाई कर डाला। ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने फिल्म की जबरदस्त कमाई के बारे में ट्वीट करते हुए बताया, KGF 2 की सुनामी फिल्म बाहुबली 2 और दंगल से भी बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है। दरअसल फिल्म का मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से ही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन उतनी कमाई कर डाली है जितनी इसके पिछले पार्ट की लाइफ टाइम कमाई। KGF 1 के हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम बिजनेस 44.09 करोड़ का था। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोड़ की कमाई कर डाली है। ये कमाल की ओपनिंग है। फिल्म ने इंडिया भर से पहले ही दिन 134.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और इस तरह से KGF 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई। KGF 2 दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म नॉर्थ इंडिया में 4400 और साउथ इंडिया में 2600 स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है। साथ ही ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 4000 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज हुई। KGF 2 के लिए लोगों की दीवानगी गजब, खासतौर से तमिलनाडु में। वहाँ पब्लिक डिमांड पर आधी रात के बाद भी फिल्म के शो दिखाए जा रहे हैं। फिल्म के टिकट की भारी डिमांड चल रही है। कई जगह थिएटर मालिकों ने सुबह 6 बजे से शो दिखाना शुरू कर दिया। जनता का इतना जुनून देखते हुए ट्रेड पंडित अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का नया इतिहास लिखेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। KGF चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई KGF, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है, आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF चैप्टर 2। KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए KGF 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो
तुम्हारे जैसा डॉग ढूंढेगा। क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। कुछ उसे हथियाने में जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फैंस के बीच सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के दूसरे पार्ट को देखने का उत्साह बरकरार। फिल्म में यश के किरदार रॉकी को दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डायलॉग सबसे बड़ा योद्धा माँ होती आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। हाल ही में यश ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म केजीएफ 2 के बारे में कई खुलासे किए। फैंस सीरीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यश ने फिल्म केजीएफ 2 के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज्यादा धमाकेदार होगी। उन्होंने बताया कि केजीएफ 2 बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है। यदि आपने केजीएफ 1 देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है। फिल्म को देखने में केजीएफ 1 से 5 गुना ज्यादा मजा आने वाला। अगर फिल्म केजीएफ की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की सड़कों पर पला बढ़ा है और कोलार की सोने की खानों तक अपना सफर तय करता है। रॉकी की माँ उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू। मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं। कई जगह भुवन की सिनेमेटोग्राफी देखते ही बनती है। माइनिंग वाले और 50 से 80 के दशक वाले सेट्स भी विशालकाय और अच्छे हैं। केजीएफ 1 में ज्यादातर वन लाइनर डायलॉग यूज किए गए हैं, जैसे सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को खिलाने जा रहे हो, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है, इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता, लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं बना सकते। इसी प्रकार के संवाद आपको केजीएफ 2 में भी देखने को मिलेगा। मूवी में आनंद बख्शी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है, गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है। अगर फिल्म को गौर से देखें तो
फिल्म में माँ वाला इमोशन भी है, रोमांस वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी। लेकिन इस बार केजीएफ चैप्टर 2 में एक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजय दत्त यानी कि अधीरा और रॉकी के बीच लड़ाई होती है। केजीएफ 2 में जो यश किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंगस्टर के रियल जीवन से प्रभावित है। गैंगस्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1997 में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने एक इंटरव्यू में इसे इनकार कर दिया था। परंतु केजीएफ के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजीएफ एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता और उसे वीरप्पन जूनियर करार दिया गया। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता था क्योंकि वो वीरप्पन की तरह एक रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता। जब थंगम की मृत्यु हुई तो वो केवल 25 वर्ष का था। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता और मार भी देता। पहली फिल्म यही खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ 2 में रीना के करेक्टर पर भी फोकस किया गया है। केजीएफ 2 रिलीज भी नहीं हुई और केजीएफ 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो केजीएफ के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि केजीएफ के डायरेक्टर ने केजीएफ 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि केजीएफ 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। केजीएफ स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर केजीएफ चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर, लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था। मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया। मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गए।
गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैक स्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की। स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बता देते हैं, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। वेल, अभी तक तो दर्शक केजीएफ 2 देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस खबर के बाद वो केजीएफ चैप्टर 3 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब तो शायद ऑडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाएं। लेकिन वक्त तो लगेगा, अभी तो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ केजीएफ 3 बनेगी जरूर, तो कर हमें फिर से देखने को मिलेगी अक्टूबर के महीने में। क्योंकि जहां द बिग बुल को अभिषेक बच्चन के करियर की वापसी फिल्म मान सकते हैं, जिसका नजारा फिल्म के पहले पोस्टर से देखा जा सकता है, स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाले ब्रोकर हर्षद मेहता की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं, जिसने 1990 दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे दमदार फिल्म की बात की जाए तो वो गुरु होगी, और ठीक इस बार भी अभिषेक अपने गुरु वाली भूमिका में ही दिखाई देंगे, तो ऐसे में इस फिल्म पर सबकी नजर बनी हुई है। तो दूसरी ओर कन्नड़ सुपरस्टार की केजीएफ ने अपने स्टारडम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा लिया है कि फैंस केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इस बार तो वैसे भी पहले से ज्यादा दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है फिल्म में। यश के साथ साथ फिल्म में इस बार श्रीनिधि शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही संजय दत्त फिल्म में आदिरा की भूमिका में दिखाई देंगे। जब से संजय दत्त का इस फिल्म से नाम जुड़ा है, तो हिंदी सिनेमा में और भी ज्यादा दबदबा हो गया है इस फिल्म का, और यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर बनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में दर्शकों को आश्चर्यजनक अनुभव देने के लिए तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यश के साथ संजय दत्त भी इस फिल्म की USP होंगे। वहीं अगर बात करें कि भारत में कोयला उद्योग का पालन कब हुआ, तो आपको बता दें कि वाणिज्य कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हिटली द्वारा 1774 को की गई थी। और ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि केजीएफ फिल्म कोल फील्ड पर ही आधारित फिल्म थी, जिसकी कहानी ने लोगों को काफी आकर्षित किया, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए लोग कब से केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन असल जिंदगी में भी अपराध की दुनिया में कई ऐसे गैंगस्टर्स और डोन हैं जो अपने इस खतरनाक पेशे के जरिए अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप 6 गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें 1993 मुंबई बम हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। दाऊद का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास कुल 670 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अभी दाऊद के पाकिस्तान के कराची शहर में होने की खबर है। फिलहाल दाऊद 63 साल के हो चुके हैं। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने उनकी बुढ़ापे की तस्वीर को भी जारी किया था। लेकिन अमारो कैरिलो फैंटस 1997 में दुनिया का सबसे अमीर डॉन था, जिसकी संपत्ति 25 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। अमारो को हवा का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपना सारा ड्रग्स का व्यापार खुद के हवाई जहाज से करता था। अमारो बड़े स्तर पर कोलंबिया के तस्करों की मदद करता था। अपने बॉस की हत्या के बाद ये गैंग को सरगना बना। वहीं बताया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के दौरान ही इनकी मौत हो गई थी। वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है, एंथनी सालेर्नो। इसको फैट टोनी के नाम से भी जाना जाता था। ड्रग्स के कारोबार के कारण इसने अकूत संपत्ति बनवाई। जिनेवा से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को 1988 में गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में 70 साल कारावास की सजा सुनाई गई। 1930 में ड्रग्स सहित अवैध शराब, जुआ और मानव तस्करी के कारोबार में अल कैपोन की तूती बोलती थी। इसने इस कारोबार में अकूत संपत्ति अर्जित की, हालांकि उसका पैसा और सरकार से संबंध भी गिरफ्तार होने से रोक नहीं सके, और गिरफ्तार होने के बाद इसका कारोबार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो वहीं 70 के दशक में एक लेडी डॉन का भी काफी जलवा रहा है।
70-80 के दशक में ग्रिसेला ब्लांको नामक महिला डॉन का अमेरिका के मियामी पर राज था। वो भी ड्रग के कारोबार में लिप्त थी और ये कोलंबिया से पूरे देश में ड्रग की सप्लाई करती थी और उस दौर में इसकी संपत्ति $80 मिलियन की थी। तो वहीं एक ऐसा भी शख्स था जो धरती का सबसे अमीर डॉन था। एक समय में कोलंबिया का कुख्यात डॉन पोब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति शख्स था। इसकी कुल संपत्ति $3,000 करोड़ के करीब थी। पोब्लो एस्कोबार को कोकीन की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। अपने दौर में पोब्लो दुनिया की करीब 80% कोकीन अकेले सप्लाई करता था। दिसंबर 1993 में पोब्लो की पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो गई थी। तो अब देखना एक्साइटिंग रहेगा कि केजीएफ चैप्टर 2 में क्या इन सभी किरदारों से इंस्पायर्ड होकर कोई किरदार रखा जाएगा। वहीं दो दो बड़ी बड़ी फिल्मों का क्लैश भी होने जा रहा है। अजय देवगन यश से टकराने जा रहे हैं, तो क्या धमाका होने वाला है इस बार बॉक्स ऑफिस पर, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, यश और अजय देवगन में से इस बाजी को कौन जीतेगा? क्या संजय दत्त बनने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 के अधीरा? संजय दत्त की वो 5 फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभाकर दी बॉलीवुड को मिसाल, और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन ऑफ द ईयर का अवार्ड? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। संजय दत्त की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभिनय करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। इसकी वजह से उनकी रुचि फिल्मों के प्रति और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराहना हासिल हुई थी। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे। उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बोहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था। डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का वो हर किसी ने
बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर सुपरमैन एक जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिंग से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण है। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें, मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था, और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमती, अमर अकबर, एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट खलनायक कौन है, और आप KGF चैप्टर 2 में यश और संजय दत्त की टक्कर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। KGF चैप्टर 2 की कहानी क्या है, ये फिल्म कब रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा? बॉलीवुड के दो नाम सामने आए हैं KGF चैप्टर 2 में, संजय दत्त और रवीना टंडन। इनका रोल क्या होगा KGF चैप्टर 2 में? यश के पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है और इन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं और कितनी फ्लॉप? KGF चैप्टर 1 रिलीज होने के बाद इनकम टैक्स ने डायरेक्टर के घर पे, प्रोड्यूसर के घर पे और एक्टर के घर पे क्यों रेड मारी, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके मन में फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। प्रभास की बाहुबली के बाद से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अभी बाहुबली का माहौल ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और फिल्म आ गई साउथ की तरफ से, यश की फिल्म KGF। इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा, सफल होने के बाद मेकर्स इसके दूसरा पार्ट बना रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यानी कि चैप्टर 2 में बॉलीवुड के कुछ नामी कलाकार शामिल होंगे। नाम सामने आया है संजय दत्त का और रवीना टंडन का। हालांकि अभी तक संजय दत्त और रवीना टंडन ने हामी नहीं भरी है फिल्म के लिए, या कोई यूं कहें कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जिन लोगों को KGF के बारे में या चैप्टर 1 के बारे में नहीं पता, थोड़ा बहुत जान लेते हैं शॉर्ट ब्रीफ में कि KGF कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म थी जो 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कन्नड़ के डायरेक्टर है, इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 फिल्में ही डायरेक्ट की हैं। पहली जो है वो है KGF चैप्टर 1, और दूसरी मतलब इससे जो पहले डायरेक्ट की थी वो थी उग्रम, वो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। प्रशांत नील को बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है।
फिल्म में जो लीड रोल प्ले कर रहे थे वो थे यश। इनका असली में नाम है नवीन कुमार गोवड़ा। यश तो इनका स्टेज नाम था जो काफी पॉपुलर हो गया था। बात करते हैं कि इनके पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इनके पास अभी तक लगभग जो मिलाया गया है 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ये हर फिल्म में 5 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन खास बात ये है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पापा अभी भी अरुण कुमार बस ड्राइवर का काम करते हैं। बात करें इनके फिल्मों की कि अभी तक इन्होंने कितने हिट फिल्में दी हैं या फ्लॉप फिल्में दी हैं, तो अभी तक इन्होंने देखा जाए तो लगभग 16 या 17 फिल्में की हैं, जिनमें से 5 ब्लॉकबस्टर, 2 सुपरहिट, 5 हिट और 2-3 एवरेज अबव एवरेज गई है, और फ्लॉप की बात करें तो 1 फिल्म ही फ्लॉप गई है। अब बात करते हैं केजीएफ की कहानी क्या थी, ये कोलार गोल्ड फील्ड आया कहां से। तो कर्नाटक में बेंगलुरु से 50 मील आगे कोलार गोल्ड फील्ड है। ये भारत की सोने की खदान मतलब बहुत पुरानी है। यहाँ पे सोने निकालने का काम शुरू हुआ था लगभग पहली सेंचुरी में। 1880 या 1890 में इसे धरती के 3 किलोमीटर तक नीचे तक खोदा गया था। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम खदान हैं जो काफी गहरी होती हैं, लेकिन कोलार गोल्ड उनमें से एक है। 1880 में या 1890 में एक इंजीनियरिंग कंपनी को काम मिला सोना निकालने का। ये ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कंपनी को ये काम दिया गया था लेकिन वो असमर्थ रहे सोना निकालने में। खास बात ये है कि ये कंपनी सोना निकालने में कामयाब रही और कोलार के दिन बदलने शुरू हो गए, सोना मिलना शुरू हो गया था और साउथ इंडियन शासकों के लिए ये इनकम सोर्स बन गया था कई सदियों तक। 1902 में यहां पर बिजली प्रोवाइड की गई। दोस्तों, जब भारत का पार्टीशन हुआ था या जब भारत आजाद हुआ था तब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसे एक BGML कंपनी ने लिया। शुरू शुरू में तो इंडिया को बहुत फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे फायदा घाटा में बदल गया और एक वक्त ऐसा भी आया 1989 में कि जिस कंपनी ने इसे लिया था वो कर्जदार हो गया था। जहां पहले 9000 स्टाफ काम करता था, यहां पे घट के वो 3000 हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। 2001 में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था, कोलार गोल्ड फील्ड को। लेकिन अभी हाल ही की बात बताऊं तो 2017 में इसका फिर से टेंडर निकला। माना जा रहा है कि यहां पर अभी भी सोना बचा हुआ है, सोना निकल सकता है। दोस्तों, चाइना के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सोने की सबसे ज्यादा खपत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जितनी भी शादियां होती हैं हमारे देश में, वहां पे सबसे ज्यादा सोना का यूज होता है। या आपको एक खास बात बताऊं, जितनी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में सोना है, जितना भी सोना है पूरा को मिला के 6% हमारे हिस्से में आता है और बाकी का जो है अलग अलग कंट्रीज में जाता है, मतलब कि 6% तक हमारे इंडिया में है। बात करते हैं आगे KGF चैप्टर 2 की कहानी की, कि आगे कहानी में हमें फिल्म में क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रॉकी यानी कि यश एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं और बड़े आदमी बनने के बाद मरना चाहते हैं। ये ड्रीम उनका खुद का नहीं होता जबकि उनकी माँ का होता है। ड्रीम को पूरा करने के लिए वो मुंबई आते हैं और गोल्ड की तस्करी में जुट जाते हैं। धीरे धीरे वहां उनका बहुत सारा नाम हो जाता है। आफ्टर दैट नाम होने के बाद उन्हें मुंबई पर राज करना होता है। फिर एंट्री होती है एज एंड्रयू की। एज एंड्रयू उन्हें मौका देते हैं बेंगलुरु आने का और बड़े हाथी को मारने का। बड़ा हाथी कौन है? गरुड़ा। बेंगलुरु तो पहुंच जाते हैं हमारे रॉकी। वहां जाते ही उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। साथ में प्यार तो होता रहता है लेकिन वो अपने काम पर भी लगे रहते हैं कि कैसे गरुड़ा को मारना है। गरुड़ा आता है लेकिन रॉकी मार नहीं पाता उसे और इस फ्रस्ट्रेशन में वो गरुड़ा की लंका में चला जाता है। वहां जाकर उसे गरुड़ा को मारता है। तो ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। जब चैप्टर 1 का जो लास्ट सीन था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जितने भी गरुड़ा के सैनिक थे उन्होंने तलवार उठा लिया था रॉकी को मारने के लिए, लेकिन रॉकी वहां पे मरता नहीं है। जितने भी वहां पे वर्कर्स थे या मजदूर थे वो रॉकी की पावर बनते हैं और जो गरुड़ा का मेन बॉडीगार्ड था वो भी मारने की कोशिश करता है रॉकी को, पर रॉकी उसे मार देता है। अब रॉकी के साथ साथ 4 और लोग इस कंपनी के मालिक होते हैं यानी कि हकदार हो जाते हैं।
कौन कौन, ये बात आप सभी जानते हैं, एंड्रू हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, कमल हो गया, और चौथा जो लड़की के पिता है। तो ये पांच हकदार हो जाते हैं। पहला जो रॉकी ऑलरेडी है, तो ये पांच कोलार गोल्ड के मालिक हो जाते हैं। लेकिन इनमें से एक जो होता है उसको रॉकी बहुत खटक रहा होता है। कौन है वो? कमल। वो क्यों? क्योंकि उसने, रॉकी ने गर्लफ्रेंड उठा ली थी कमल की, और ये भी एक टैलेंट है कि लड़की किसी और की गर्लफ्रेंड को उठा लेना। आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मैं कहूं कि चैप्टर टू में हमारा रॉकी मर जाएगा तो कैसे लगेगा? शॉकिंग तो है, लेकिन सच्चाई यही है कि रॉकी मर जाएगा चैप्टर टू में। कमल जो है वो इनायत खलील से हाथ मिला लेता है। इनायत खलील जो गरुड़ा या यूं कह कि कोलार का मालिक होता है, वो इनायत खलील बहुत बड़ा दुश्मन होता है। कमल इनायत से हाथ मिलाता है। साथ ही जो आपने एक पॉलिटिशियन देखी थी जो इंदिरा गांधी जैसी लग रही थी, वो आर्मी भेजती है। तो ये तीनों मिलकर रॉकी पे हमला करते हैं और रॉकी मर जाता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा चैप्टर वन में, तो कहानी शुरू होती है एक बुक के थ्रू, जहां पे रॉकी का कोई नामो निशान नहीं था। उसमें बताया गया था कि वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए तो वो बुक लिखी गई थी। तो यहां पे स्टोरी आधी तो क्लियर ही हो चुकी है कि रॉकी मर जाता है और कोलार के फिर तीन मालिक, चार मालिक हो जाते हैं, लेकिन हेड जो होता है वो इनायत बनेगा, जहां तक मुझे पता है। बात करते हैं कि इनायत खलील का रोल कौन प्ले करेगा। तो इनायत खलील का रोल प्ले करेंगे संजय दत्त, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है। रवीना टंडन क्या रोल प्ले करेंगे, ये अभी सामने नहीं आया है। बात करते हैं कि इनकम टैक्स ने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के घर पे क्यों रेड मारी थी। कहा जा रहा था कि कोलार फिल्म में जो पैसा लगाया है वो सारा ब्लैक मनी था। फिल्म का बजट था 80 करोड़, और ये सारा ब्लैक मनी था। इसी वजह से इनकम टैक्स ने उनके घर पर रेड मारी थी। केजीएफ चैप्टर 2 के अगर रिलीज डेट की बात करें, तो खबरों में आ रहा है कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2019 में रिलीज हो सकता है। और अगर वही बात करें ट्रेलर की, तो खबर आ रही है कि अक्टूबर में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, वो भी एक नहीं कई पार्ट्स में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म केजीएफ के रिव्यू को लेकर। मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, और वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं केजीएफ के रिलीज होने की वजह से जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि केजीएफ में ऐसी क्या खास बातें हैं। दोस्तों मल्टीप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेड फिल्में बनना बंद हो गई, जिनमें बड़े स्टार्स नजर आते थे। 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी। इंसानियत के दुश्मन मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, बदले की आग जैसी बी ग्रेड फिल्मों का न केवल बजट बड़ा हुआ करता था, बल्कि इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे। 2018 में आश्चर्यजनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली। सलमान खान की रेस 3, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिर बाहुबली की तरह, जहाँ गरुड़ा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के षड्यंत्र रचता है, तो वहीं गैंग्स ऑफ वासीपुर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है। कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है, और ये जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने। यश अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अवतार में नजर आते हैं। फिल्म का पहला एक घंटा रॉकी की छवि को बनाने में खर्च किया गया है, और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है, सिगरेट का धुआं उड़ाता है और शराब गटकता रहता है। स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं, वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गढ़ते रहते हैं। निर्देशक प्रशांत नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाय खूब घुमा फिराकर अपनी बात कही है। रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है। फिल्म कई बार फ्लैशबैक में जाती है, कहानी में कहानी सुनाई जाती है। क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है, इसलिए कई बार
दूसरे भाग की झलक दिखाई गई है और ये सब कुछ कंफ्यूजन को बढ़ाता है। शायद प्रशांत ने ये जानबूझकर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है। प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है। फिल्म में हिंसा की भरमार है, हर दूसरे मिनट मारकाट मचती रहती है। गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है। हथौड़ा, चैन, चाकू, रॉड, तलवार, फावड़ा से खून बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तेमाल भी किया गया है। और दोस्तों, एक्शन का ये ओवरडोज कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है। फिल्म की कलर स्कीम बेहद डार्क है, ब्राउन और ब्लैक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ज्यादातर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किए गए हैं। स्क्रीन पर ज्यादातर समय अंधेरा छाया रहता है। बहुत ज्यादा कट्स लगाए गए हैं और 3-4 सेकंड से ज्यादा एक शॉट टिकता ही नहीं है। वहीं कलाकारों के गेटअप भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नजर आते हैं। दोस्तों, जैसे बेतरतीब लंबे बाल और दाढ़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं है और ना ही उन्होंने ब्रश किया है। पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुक प्रशांत ने दिया है। निश्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है, लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी। दोस्तों, फिल्म 2 भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कम्प्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आधी ही फिल्म देखी है। फिल्म को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्सचर दिया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलॉग्स बाजी भी है, जैसे कि इफ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और वहीं दूसरा डायलॉग है, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निकले लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही धमाकेदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं। लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहद जमे हैं, वो स्टाइलिश लगे हैं, एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए हैं। तो वहीं श्रीनिधि शेट्टी सहित अन्य कलाकारों के लिए खास स्कोप नहीं था। केजीएफ में एक्टिंग, एक्शन, डायलॉग, स्वैग, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी सभी चीजें बहुत ज्यादा लाउड है। स्टाइल और प्रेजेंटेशन ही इसे अलग बनाता है। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म 0 सिनेमा घरों में पहुँच गयी है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, दक्षिण भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्साह है। मगर साउथ में 0 का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुक्रवार 21 दिसंबर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं और जिनकी काफी चर्चा भी रही है। 0 देश भर में 5,965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जिनमें से 4,380 स्क्रीन्स भारत और 1,585 ओवरसीज के लिए अलॉट की गई है। आनंद एल रॉय निर्देशित 0 में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। मोहम्मद जीशान अयूब फिल्म में शाहरुख के किरदार बहुआ सिंह के साइड किक का रोल निभा रहे हैं। साउथ में 0 की सबसे बड़ी टक्कर मारी 2 से होने जा रही है, जिसमें धनुष लीड रोल में है। बालाजी मोहन निर्देशित फिल्म में साई पल्लवी फीमेल लीड रोल निभा रही हैं। मारी 2 को लेकर तमिल भाषी दर्शकों के बीच काफी हाइप बनी है। ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है। दोस्तों, साउथ में 0 के सामने दूसरी बड़ी रिलीज KGF चैप्टर 1 भी है, जो कन्नड़ फिल्म है जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है। प्रशांत नील निर्देशित फिल्म में यश ने लीड रोल निभाया है। ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है। हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी KGF के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है। KGF में तमन्ना भाटिया और मौनी रॉय ने आइटम सॉन्ग्स किए हैं। KGF हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जबकि कन्नड़, तेलुगु में 400, तमिल में 100 और मलयालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है। दोस्तों, हाल ही में साउथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवरसीज में बेहतरीन बिजनेस किया है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 तमिल सिनेमा की फिल्म है, जिसे हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 400 करोड़ से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन चुकी है। और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड़ से अधिक जमा कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं 0, KGF और मारी 2 के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमे से KGF और मारी 2 का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा। और वहीं बड़े बजट की फिल्म 0 कुछ ज्यादा ओपनिंग नहीं कर पाई। 0 के ट्रेलर और गाने जिस तरह सुपरहिट हुए थे, लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई। तो वहीं बात करें KGF और मारी 2 की, तो बजट के हिसाब से देखा जाए
तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है। सबसे पहले बात करते हैं कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर फर्स्ट की, जिसने अपने दमदार एक्शन और अच्छी कहानी से लोगों को एंटरटेन तो किया, साथ में अच्छी ओपनिंग भी की। KGF फिल्म का बजट 80 करोड़ था। इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3000 स्क्रीन्स पर और 4 भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म को मिले अच्छे रिएक्शन की वजह से इसकी स्क्रीन्स को बढ़ा दिया गया है। फिल्म ने पहले दिन कर्नाटका से 28 करोड़, हिंदी से 4 करोड़ और तमिल और तेलुगु से KGF ने 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। KGF ने टोटल 39 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन किया था और फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक से भी बढ़िया रेटिंग मिली थी, जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि अब तक का किसी कन्नड़ फिल्म का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। बात करें फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की, तो ये फिल्म आगे बढ़िया कलेक्शन करेगी। वीकेंड पर संडे का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब अगर बात करें मारी 2 की, तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी ओपनिंग दी है। ये एक एक्शन फिल्म थी। तमिल सुपरस्टार धनुष की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ 2 ही भाषाओं में रिलीज हुई है। 30 करोड़ के बजट वाली फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी रेटिंग दी है, जिसका असर हमें ओपनिंग कलेक्शन पर देखने को मिला। और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि फिल्म ने अपने सेकंड डे कलेक्शन में 13 करोड़ बटोरे, जो कि काफी बढ़िया रहा। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म ने अब तक 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वीकेंड में संडे का फायदा भी इस फिल्म को मिल सकता है। और अब बात करें हमारे शाहरुख खान की जीरो की, जिसकी चर्चाओं का बाजार गर्म तो था, लेकिन फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पब्लिक ने जीरो को अच्छा रेस्पॉन्स तो दिया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। इस फिल्म से ग्रैंड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ओपनिंग ठीक ठाक रही। जीरो ने पहले दिन 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया, जो कि 200 करोड़ के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिल्म को पब्लिक ने तो अच्छी, लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वजह से इसके सेकंड डे कलेक्शन में बिल्कुल ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला। फिल्म को 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। जीरो ने दूसरे दिन भी 20 करोड़ तक का ही कलेक्शन किया, जो कि नॉर्मल है। वहीं बात करें फिल्म के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पहले दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि अच्छा साबित हुआ। बात करें फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की, तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को संडे और क्रिसमस का बेनिफिट मिल जाए, जिससे कि फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए। दोस्तों, धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या वीकेंड में संडे होने की वजह से ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो कि कल यानी कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी, और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, 21 दिसंबर 2018 को जीरो, मारी 2, अंतरिक्षम 9000 KMPH, KGF जैसी अलग अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई हैं। और इनमें से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं, तो कुछ छोटे बजट की। इनमें से बॉलीवुड की जीरो और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं, जबकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मारी 2 और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अंतरिक्षम छोटे बजट की फिल्में थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फिल्मों के पहले दिन के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की जीरो की, जो 200 करोड़ के बजट वाली फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म ने लोगों को एंटरटेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है, और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रही है, और ये फिल्म थिएटर्स में लोगों को लाने में कामयाब रही। और फिल्म को आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा,
अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कन्नड़ फिल्म केजीएफ की। तो फिल्म का बजट 80 करोड़ था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। कोलर गोल्ड माइंस पर बेस्ड ये फिल्म 80s की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार यानी कि यश ने लीड रोल प्ले किया है। और ये फिल्म अब तक की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और अभी फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है। केजीएफ को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है। केजीएफ ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ है, जो कि डब्ड फिल्म होने की वजह से बहुत बड़ा है। दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 की, जो कि मारी का सीक्वल है। फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है। और फिल्म ने पहले दिन 41 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि एवरेज है। लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है। वहीं बात करें तेलुगु फिल्म अंतरिक्षम 9000 KMPH की, तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने किया था। इस फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार वरुण तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉन्स मिला है। फिल्म को भी टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज होने की वजह से इस फिल्म को भी काफी कम दर्शक मिले हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1,60,00,000 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि काफी बढ़िया है। अंतरिक्षम फिल्म का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया है, लेकिन फिल्म पर एक साथ 4 फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है। लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है। मेरी टिकट तो जल्दी से, मेरा शो मिस हो रहा है। आपके वजह से टिकट बदल गई, पता है मेरी। और हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने 0 देखी। और मैं भी आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं 0 देखने वाला था, पर केजीएफ देख के आया, मजा आ गया देख के। क्या मूवी, व्हाट अ मूवी, यश का, यश ने फाड़ दिया भाई, आग लगा दी। मैं भी देखने वाली थी, लेकिन किस्मत किस्मत की बात होती है। बाकी 0 बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मूवी है, पता है इतने टाइम बाद मैंने ऐसा की कितनी बढ़िया मूवी देखी है। मैं एसआरके का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन SRK के बाद अगर मैं किसी का फैन हूं तो यश का फैन हूं भाई। मैं बहुत बड़ा, यश ने क्या एक्टिंग किया, फाड़ डाला यार, गजब, मजा आ गया। वैसे क्या खास था जीरो, बताओ जरा। जीरो में खास या नहीं खास ही है, देखो पहली क्या? बात तो जैसा रोल उसने अदा किया है शाहरुख खान ने SRK ने, बोले का मेरे को लगता वो कोई और इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता उस रोल को। एक अलग ही चीज देखने को मिली है उस मूवी में यार। एक सच बात बताऊं, बिल्कुल शायद यश ने जो भी एक्टिंग करी होगी मैंने मूवी नहीं देखी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिस तरीके से SRK कैरेक्टर के अंदर घुसा है वो शायद यश नहीं घुस पाता या नहीं घुस पाता, एक अलग चीज है। लेकिन दोनों अलग अलग जोनर की फिल्म है। जो KGF में जो यश ने किया है वो शाहरुख खान शायद नहीं कर पाता, लेकिन जो SRK ने किया है वो यश भी नहीं कर पाता। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाहरुख खान बोना बना और यस गुंडा, एंटी हीरो टाइप, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जब हाथों में बंदूक लेके टूटता है ना, सीटियां बजती हैं भाई, लोग पागल हो गए उसे देख के। SRK को देखकर ऐसा हुआ कुछ मूवी में? बिल्कुल हुआ, लोग तो पागल हो गए थे, इतनी ज्यादा होर्डिंग कर रहे। और पता है सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला सीन तो वही था जो रॉकेट का था, और जब रॉकेट उड़ा ना यार सबका मन खुश हो गया। आपके हुआ था ऐसा कुछ सीन? रॉकेट को चला बोलना था उसमें, ऐसा भी चलाना। लेकिन KGF ने दिल लूट लिया मेरा।
मैं तो जाई केजीएफ थी यार, अब देखने जीरो चली गई। पता है सस्पेंस खोलूं मैं तुम्हारा? क्या था जीरो में? तुमने जीरो देखनी थी, मैं तो मुझे बता दो ना, आप स्टोरी बता दो मुझे, स्टोरी मत बताओ, कुछ मेन मेन चीज बता दो जिससे मैं खुश हो जाऊं, ताकि मन में थोड़ा मलाल ना रहे कि मैं जीरो नहीं देख पाया। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को जानने के? मैं सबसे पहले तुम्हारा वही वाला सस्पेंस खोलती हूं। कैटरीना कैफ के साथ क्या था, क्या सीन था शाहरुख खान का और उसका, क्या क्या था? कैटरीना कैफ की कोई जोड़ी ऐसा नहीं था कि उसी के साथ जोड़ी बननी थी ऐसा के साथ। हाँ अभय देओल भी था इस मूवी में, वो उनके बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहे थे। मतलब शाहरुख खान से कैटरीना कैफ सेट नहीं थी फिल्म में? थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, अभय देओल के बाद। और अनुष्का शर्मा, मैं आपको बता दूं कि मतलब कैटरीना कैफ का रोल इसमें ऐसा था, बहुत बड़ी सुपरस्टार दिखाई गई है बबीता कुमारी, बट पॉइंट क्या था ना, मतलब उसका थोड़ा मेंटली अंदर से अधूरी सी रहती थी वो बहुत ज्यादा। तो उसे पूरा अभय देओल ने किया? पूरा अभय देओल ने किया, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती। अच्छा ये बताओ अनुष्का शर्मा का क्या सीन था? अनुष्का शर्मा एक साइंटिस्ट है। वो किसके साथ सेट है? अच्छा मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट तुमने थ्री इडियट्स देखी थी जिसमें वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, क्या नाम था? आर माधवन। बिल्कुल, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था उन्हीं के साथ। मतलब शाहरुख खान के साथ कौन सेट था, मुझे ये जानना है। यार शाहरुख खान के साथ कोई भी सेट नहीं था, ना ही अनुष्का ना ही कैटरीना। कैटरीना अपनी अलग सुपरस्टार थी। हाँ मैं आपको बता दूं कि SRK पागल था बबीता कुमारी के लिए, चाहता था उसको। थोड़े टाइम के लिए उनकी केमिस्ट्री आई थी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि उनसे शादी हो जाए या कुछ ऐसा, कुछ सीन नहीं था। हाँ लेकिन अनुष्का शर्मा की शादी आर माधवन के साथ हुई थी और वो दोनों ही साइंटिस्ट थे। और इतनी बड़ी जो स्टार कास्ट थी उसमें, अभी एक दीपिका, मैंने क्या नाम है, और उसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है उसमें, दीपिका पादुकोण भी है, श्रीदेवी, काजोल, रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट, ये क्या कर रहे थे? तुमने मूवी पहले से देख रखी है? नहीं नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे बताया गया था। अच्छा मेरी बात सुनो, बबीता कुमारी इसमें एक बहुत बड़ी सुपरस्टार का रोल अदा कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ बॉलीवुड का नाम आएगा वहाँ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बाकी बॉलीवुड सितारे भी तो दिखाएंगे ना यार। तो उसमें दीपिका, श्रीदेवी, आलिया भट्ट और करिश्मा कपूर को भी दिखाया गया और वो सब कैमियो रोल में थी। और एक वो कौन सा इंसान है जो हमेशा क्या नाम है, कई फिल्मों में उसने दोस्तों का रोल भी अदा किया है इस फिल्म में। हाँ जिशा नायडू, उसका क्या सीन था, उसको मुझे जानने का बहुत। तो आपने देखा है कि वो ज्यादातर जाना ही दोस्ती के रोल्स के लिए जाता है, चाहे हम रामजना उठा के देख लें और भी बहुत सारी मूवीज। तो उसमें इसका मतलब अच्छा दोस्त बना इसमें? बिल्कुल, वो हमेशा से अच्छा दोस्त का किरदार ही निभाता है, इस बार भी बहुत अच्छे दोस्त का किरदार निभाता है। यानी कि जीरो देखनी पड़ेगी। वैसे आपका क्या ख्याल है कि जीरो फर्स्ट डे कलेक्शन कितना कर पाएगी ऑल ओवर इंडिया, ना ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, कितना कर पाएगी? यार 20-25 करोड़, बस 200 करोड़ लगा के 20-25 करोड़। ज्यादा बोलो मत, अपना बताओ KGF क्या देखा है, मेरे को भी तो कुछ बताओ। देखो KGF का पहली आपको बताऊं, इसमें यस है, कन्नड़ का सुपरस्टार है वो, उसे आज ज्यादा आए हुए टाइम में इंडस्ट्री में, पर जब से आया है अपने आप में एक अलग चीज है। पहली बात, उसके अपोजिटर श्रीनिधि शेट्टी, क्या क्यूट लड़की है। और इन सबसे बड़ी बात, उसमें मौनी रॉय का हो, क्या गली गली मजा आ गया देख के। मुझे चीज पूछनी है, क्या तुमने अभी बोला श्रीनिधि शेट्टी, मुझे सच बताऊं ट्रेलर देख के क्या लगा था, यश के अपोजिट मोहनी रॉय है। नहीं नहीं नहीं, मोहनी रॉय का उसमें आइटम सॉन्ग है, लेकिन आइटम सॉन्ग भी गजब का है, गली 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 गली, उसमें एक ही आइटम सॉन्ग है। हाँ उसमें ये एक ही आइटम सॉन्ग है, लेकिन और भी गाने हैं, लेकिन ये गाना ज्यादा। ओके मेरा सस्पेंस तोड़ दिया तुमने यार, मुझे लगा अपोजिट होगी वो यश। नहीं नहीं, सस्पेंस तो अभी है, जब क्या नाम है उसके डायलॉग, ओफ यस, जब डायलॉग बोलता है ना तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार कुछ ऐसा बनना चाहिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो लोगों की सेवा करते हुए दिखाया जा रहा है, गरीबों के लिए लड़ता है, मेरे केजीएफ बुराई को खत्म करता है, पता है बुराई को खत्म, हाँ वही, बुरे लोगों को मारता है। मेरे केजीएफ को लेके बहुत सारे डाउट्स है। क्या बताओ, जब मैंने ट्रेलर देखा ना मुझे लगा यार यश नेगेटिव रोल करने वाला। नहीं नहीं नहीं, उसका रोल है इस टाइप का, ऐसा कह सकते हैं एंटी हीरो टाइप का, मतलब अच्छे लोगों के लिए लड़ता है, बुरों को खात्मा करता है। पर उसने सुन तो, उसने बोला था स्टार्टिंग में ही बोला था ट्रेलर के, जब वो छोटा बच्चा बोलता है मुझे दुनिया चाहिए। हाँ तो वो उसकी माँ ने कहा था ना कि तुझे लोगों के साथ चलना है, लोगों के आगे खड़ा रहना है, ऐसा लगा किंग, ऐसा लगा किंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किंग का रोल, तो वो कह रहे हैं मुझे दुनिया चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं मान सकती मैं कि हाँ वो पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता है। रूल करता है, फिल्म में रूल करता है। अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको फिल्म देखनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कहूंगा इनफैक्ट आपको देखनी चाहिए, शानदार फिल्म है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। पता है
कन्नड़ का अब तक का इतिहास बन चुकी है मूवी एक ही दिन के अंदर। जैसे बाहुबली का इंतजार करते थे लोग, बाहुबली का सेकंड पार्ट कब आएगा, एक ही दिन में जो मूवी देख के निकल रहा है वो यही कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर कब आएगा। यार वो किस्मत की बात है। हाँ किस्मत की नहीं, मैं मान रही हूँ कि चैप्टर टू आएगा। अब जीरो का बन पाएगा नहीं, बट क्या पता बन जाए, हो भी सकता है। जीरो का बन तो नहीं बनेगा, इतना तो मुझे यकीन है। क्यों, अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा आगे निकलती है, अच्छा नाम कमा लेती है, तो उसका सेकंड पार्ट लोग डिमांड करते हैं कि हाँ आना चाहिए। हमारी जनता डिमांड करती है आना चाहिए। हाँ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन केजीएफ का सेकंड पार्ट आएगा ये तो अभी से तय है। हाँ वो मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो आपने बजट पूछा था मेरी मूवी का जीरो का, कि क्या अपेक्षा है मेरी बजट से? अच्छा। आपकी क्या है? इसमें इसका बजट 80 करोड़ है, लेकिन हो सकता है कि ये शाहरुख खान के बराबर पहले दिन में इतना ना कमा पाए, लेकिन कमाएगी अच्छा अपने 80 करोड़ के हिसाब से। और हो सकता है कि ये, लेकिन आप मूवी देखोगी ना, 80 करोड़ में 800 करोड़ का धमाका है। हो सकता है 800 करोड़ ना कमाए पर 800 करोड़ जैसा धमाका है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बोल रहे हो कि 80 करोड़ में ठीक है, लेकिन देखो जो 200 करोड़ रुपए हमारी जीरो में लगे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे तो शाहरुख खान को उनके कैरेक्टर में दिखाने के लिए लगे हैं, वीएफएक्स को लेकर, कैमरा एडिटिंग सब कुछ, क्योंकि ये किसी को बोना दिखाना कोई आसान काम तो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे वीएफएक्स चाहिए। देखिए मैडम, इसमें वीएफएक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, 60 और 70s का इंडिया दिखाया गया है। बहुत 80 करोड़ खर्च हुआ है सिर्फ उसी चीज पे, पुराना इंडिया दिखाने के लिए, ठीक है, और इसके एक्शन सीन्स पे। जब आप देखोगी ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना, आप जीरो को बुरा कहोगी ना केजीएफ को। लेकिन दोनों बुरा तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, बात ये है। बोलो तो क्या बोल रही हो आप? मैं ये बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो 80 करोड़ का बजट लगा है वीएफएक्स को लेकर, ठीक है मैं मान रही हूँ, लेकिन वीएफएक्स इतने हाई लेवल के नहीं होंगे शायद, क्योंकि किसी को पूना दिखाना यार, वीएफएक्स में सारा काम कर रहा था, पैसा वगैरह सब उसी में लगा, ये भी तो सोचो। अब आखिरी में बात ये है मैडम कि मैं तो जीरो देखने जा रहा था, लेकिन गलती से केजीएफ देखा यार। सेम चीज मेरे साथ हुई है। हाँ लेकिन आप भी अच्छा बोल रही हो कि वो जीरो अच्छी है, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ केजीएफ अच्छी है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट दोनों मूवी अच्छी हैं और अपने अपने हिसाब से कमाएंगी भी और हिट भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चैप्टर टू तो आएगा केजीएफ का, क्या जीरो का वन पार्ट आएगा? इतना है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से जीरो को सब डिमांड में ले रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ जीरो का सेकंड पार्ट बनना चाहिए। तो क्या लगता है, थोड़ा मूवी देखो, दिमाग लड़ाओ और कमेंट बॉक्स पे वापस आओ और मुझे बताओ क्या लगता है जीरो का सेकंड पार्ट बनेगा। दोस्तों 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिया के लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान यानी कि बादशाह खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई, तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए आई। और वहीं कन्नड़ के एक और सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड़ की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है। इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उद्योग को नुकसान के साथ साथ फायदा भी हुआ, क्योंकि इस बार ऑडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें। जहां शाहरुख खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ साथ फुल ड्रामा फिल्म है, तो वहीं केजीएफ एक एक्शन फिल्म है और वहीं मारी 2 एक मसालेदार फिल्म है, लेकिन जिसमें सोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है। और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स, इन सारी चीजों को मिलाकर करीब फिल्म इंडस्ट्री को 300 करोड़ का फायदा हो रहा है। और 21 दिसंबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब 100 करोड़ का फायदा हुआ। अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संदर्भ में हुआ कि हर स्टार की ऑडियंस बढ़ गई और ऑडियंस बढ़ने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है। हालांकि ये पहला दिन रहा, इसीलिए ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड़ का नुकसान होगा। अगर अब बात करें जीरो की, तो जीरो ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था। जी हाँ, और जीरो का कुल फर्स्ट डे कलेक्शन देखा जाए तो जीरो के खाते में करीब 230 करोड़ के आसपास गया है। और इससे ये कहा जा सकता है कि जीरो फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सुपरहिट होना तो निश्चित है, क्योंकि जीरो ने इंडिया और देश विदेश को मिलाकर 58 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और अगर वही बात की जाए साउथ के बाहुबली यानी केजीएफ की,
तो उसने पहले दिन 15 करोड़ का बिजनेस किया है। दोस्तों वही मारी 2 अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अगर इन कलेक्शन के आंकड़ों को आधार बनाकर बात की जाए तो शनिवार को छुट्टी होने की वजह से तीनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर उछाल देखा जा सकता है और माउथ पब्लिसिटी का फायदा भी मिल सकता है। अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। तो जब भी 2 फिल्में या 3 फिल्में एक साथ रिलीज होती है तो अक्सर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्में होती हैं तो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों वहीं अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए सनी देओल और आमिर खान को, तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबित हुई हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शाहरुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई हों। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब चाहे कन्नड़ का सुपरस्टार आए या फिर साउथ का सुपरस्टार, और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो हैं। वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है। दोस्तों वहीं KGF और मारी 2 के रिलीज होने से 0 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, क्योंकि KGF और मारी 2 में जो स्टार हैं, उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है। और दोस्तों अगर बात करें KGF के सुपरस्टार यश की, तो आज की यूथ में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। और वैसे भी KGF की तुलना अमिताभ बच्चन की दीवार से की गई है, और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे कि फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए। और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी। दोस्तों मारी 2 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी एक स्लो पॉइजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी, क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलोइंग है। और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि मारी 2 और KGF की टक्कर से सीधा 0 को फायदा होगा, क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलोइंग साउथ में ज्यादा है। लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है, इसीलिए सारे आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शाहरुख खान की फिल्म 0 को होगा। और दोस्तों वहीं 0 फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि SRK के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शाहरुख को ट्रोल भी किया है और इसीलिए उनके शुभचिंतकों में एक तरह से भय फैल गया है कि कहीं शाहरुख की 0 फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, SRK की 0 फ्लॉप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी। 0 फिल्म के हीरो शाहरुख खान का स्टारडम किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है, और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह 0 फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर स्पीड पकड़ेगी, जिस प्रकार से बाहुबली 2 ने स्पीड पकड़ी थी। क्योंकि 0 की कहानी में जो बहुआ सिंह है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए 0 फिल्म बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जनता के दिलों में रच और बस जाएगी। और दोस्तों ये भी सच है कि शाहरुख खान की 0 फिल्म पर अनुष्का की शादी का फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ा है, क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिकता का प्रतीक है, जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्ट्रेस जैसे ही शादी करती है उनका स्टारडम गिर जाता है, जो कि एक प्रकार से हीरोइन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आया है और आज भी जारी है। लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का, ये कब शिक्षित होगा? और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश
जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश की प्रत्येक नारी शिक्षित नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना सक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो कि हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है, अगर वहाँ पर नारियों के साथ विक्टिमाइजेशन हो सकता है तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो कि एकदम गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकार से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं, हीरोइनों को भी जमे रहना चाहिए, और तभी इस इंडस्ट्री का मिथक हटेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसमी चटर्जी मात्र एक ऐसी हीरोइन है जो शादी के बाद इंडस्ट्री में आई और पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही अहम दिन है फैंस के लिए, क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की जीरो, और दूसरी कन्नड़ एक्टर यश की केजीएफ चैप्टर फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आइए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शख्स पर क्या असर पड़ेगा, फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कन्नड़ सुपरस्टार यश, या फिर आप लोग पर। जी हाँ, यानी कि वो लोग जिनके इख्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, जीरो और केजीएफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतीय फिल्म उद्योग को कितने करोड़ का फायदा होगा, ऐसे कई सारे सवाल जहन में आते हैं। और जहाँ तक कि देखा जाए, अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारतीय फिल्म उद्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा दो फिल्में रिलीज होने पर होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक ज्यादा ही होगा। एक तरफ जीरो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है, तो दूसरी तरफ केजीएफ चैप्टर फर्स्ट रितेश शिडवानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट की है। वहीं दोनों मूवीज के कम्बाइंड कलेक्शन की बात की जाए तो 1000 करोड़ का मुनाफा तो हो ही सकता है, मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन सी फिल्म कितना कमाएगी। अगर शाहरुख खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं, और उनकी कमाई भी इतनी बेहतरीन नहीं हुई है। पिछली फिल्में कुछ ज्यादा खास न जाने की वजह से इस बार फैंस को SRK की जीरो से बेहद उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी ओर यश, जो कि कन्नड़ सुपरस्टार हैं पर साउथ में बेहद प्रचलित भी, और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाब साबित भी हुआ है, तो उनके फैंस को भी केजीएफ का बेसब्री से इंतजार है। बल्कि अब तो आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है, और कहीं ऐसा न हो कि SRK की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुख मोड़ लें। बेशक कि लोगों को जीरो का उतनी ही शिद्दत से इंतजार है, मगर कहीं ना कहीं KGF का ट्रेलर जीरो के ट्रेलर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, और इन सब से बचने के लिए जीरो का जोर शोर से प्रमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबें निकाली जा रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मेकिंग ऑफ सॉन्ग मेरा नाम तू यूट्यूब पर लॉन्च हुआ। सूत्रों के मुताबिक KGF 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, जिसमें एक लैंग्वेज हिंदी भी होगी। अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो ऑडियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी। KGF का जीरो के साथ क्लैश होने पर जीरो पर असर तो जरूर पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वहीं दूसरी तरफ रितेश शिडवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए। उनका मानना है कि स्पेस बहुत है। रही बात 21 दिसंबर को रिलीज करने की, तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साउथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है। ये फिल्म साउथ की 4 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, और बेशक हिंदी में भी। उनका कहना है कि नॉर्थ इंडिया मार्केट में उतना नहीं जाना जितना कि जीरो का मकसद है। एक्सल एंटरटेनमेंट, जो कि रॉकऑन 2, रईस फुकरे सीरीज, गौर जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है, इस बार कन्नड़ फिल्म KGF के साथ आ रही है। रितेश शिडवानी का कहना है कि फिल्म ने लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ दिया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाहुबली KGF, जो कि एक पीरियड ड्रामा है, कोलर गोल्ड फील्ड्स पर आधारित है। जहां तक कि फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लैंग्वेज का बैरियर तो रह ही नहीं जाता।
दोस्तों केजीएफ प्रशांत नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। और दोस्तों विजय किरागन डूर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं होमप्ले फिल्म्स के बैनर तले। यश और श्रीनिधि लीड रोल में नजर आएंगे। बात की जाए जीरो की तो वो एक रोमांटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन किया है आनंद एल रॉय ने। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलर येलो प्रोडक्शन एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। स्टार कास्ट में है शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ। दोस्तों वहीं जीरो का बजट 200 करोड़ से ऊपर का है तो वहीं केजीएफ का 100 करोड़ से ऊपर का। अब सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान फिर से किंग खान बन पाएंगे? जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंगडम में किंग भी एक ही। किंग खान ने पूरी जान लगा दी है जीरो फिल्म के लिए और ये बात जाहिर भी होती है जहां सलमान खान इश्कबाजी सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई दिए हैं। जहां तक की बात की जाए सलमान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुमकिन ही है। राज की बात तो ये है जनाब कि आपको फिल्म में काजोल, रानी मुखर्जी, श्रीदेवी, आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, जूही चावला, दीपिका पादुकोण, गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे और ये कमाल किंग खान का ही हो सकता है जो कि इतने सितारों को एक साथ लेकर फिल्म बना दे। अगर गौर किया जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि हवाएं कहाँ रुक लेंगी। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है जीरो और केजीएफ के साथ। तो दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। जीरो के सामने खड़ा है एक और महायोद्धा जिसका नाम है यश। यश के फिल्म केजीएफ को कन्नड़ की बाहुबली कहा जा रहा है। केजीएफ माने कोलार गोल्ड फील्ड्स, लंबा नाम भूल जाओ, शॉर्टकट केजीएफ याद रखो। ये फिल्म कन्नड़ फिल्म दो पार्ट में आ रही है। पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ और यूट्यूब पर धुआंधार देखा जा रहा है। अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। हालांकि इन व्यूज से फिल्म की औकात नहीं आंकनी चाहिए। अच्छे ट्रेलर व्यूज और अच्छी ओपनिंग के बाद ठग साफ हिंदुस्तान तीसरे दिन भरभरा कर बैठ गई और केजीएफ का मुकाबला ट्रेलर व्यूज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीरो से रहेगा। दोनों 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। रॉकी नाम के एक लड़के की कहानी है। रॉकी का रोल यश ने किया है। यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ है। अवार्ड विनिंग कन्नड़ एक्टर है। कुल मिलाकर सिनेमा में पहचाना हुआ नाम है। केजीएफ 70 के दशकम सेट है। ट्रेलर में उसकी पैदाइश से लेकर गैंगस्टर बनने तक के सीन है। डायरेक्टर प्रशांत नील के मुताबिक यश ने महत्वाकांक्षी गैंगस्टर का रोल किया है। फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है। फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से बचपन और गैंगस्टर बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। यश के अलावा फिल्म में श्रीनिधि सेट्ठी, वशिष्ठ सिम्हा, बाहुबली में राजमाता शिवगामी बनने वाली रमैया कृष्णन और मालविका अविनाश के खास रोल्स हैं। इसे अब तक की कन्नड़ की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है। अब वो बात जिसके लिए फिल्म का ट्रेलर खास है, अंधेरे में भव्यता का एहसास कराता ट्रेलर। यश का रोल अग्निपथ के अमिताभ की याद दिलाता है। यश ने दैनिक जागरण अखबार से बात कही थी, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उनके मुताबिक पूरे भारत में 5 भाषाओं में फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम। कुछ लोग बाहुबली से इसकी तुलना कर रहे हैं। हमको कुछ कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर का फील आ रहा है, वो भी दो पार्ट्स में थी। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत भी मामूली आदमी नहीं है। 2014 में उग्रम फिल्म से डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस की खिड़की तोड़ दी। क्रिटिक्स के मुंह पर फेवी गोंद चिपका दिया। उसे 2014 तक के कन्नड़ सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया, इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदें हैं। और हाँ, इसमें फरहान अख्तर का पैसा भी लगा है। यश का कहना है कि ये फिल्म बनने में 1000 दिन लगे, शूटिंग में 150 से 200 दिन लगे, लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रोडक्शन और तैयारी में गए। यानी फिल्म पर वाकई भारी मेहनत की गई है। यश का कहना है कि हमारा मुकाबला क्षेत्रीय फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बल्कि हॉलीवुड से है। पूरे भारत को एक मानते हैं। तमन्ना ने कुछ इस प्रकार कहा, ये पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिरकी हूँ। इस तरह का बेहतरीन अनुभव कभी नहीं रहा। ये रेट्रो कैबरे गाना है। और उनका कहना है कि कन्नड़ फिल्म केजीएफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा आया। तमन्ना पुराने गाने
जो के नानू वालिया मीचू के रिक्रिएटेड वर्जन पर थिरकी, जो निर्देशक राजकुमार की कन्नड़ फिल्म परोपकारी में दिवंगत विजय ललिता पर फिल्माया गया था। शाहरुख की जीरो से टकराएगी यश की केजीएफ, जिससे दोनों फिल्मों को नुकसान हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्टरों की ऑडियंस अलग अलग है। वैसे तो शाहरुख की जीरो के आसपास कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, लेकिन एक कन्नड़ फिल्म इसे टक्कर देने के लिए तैयार है। इस फिल्म का नाम है केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड्स। इस फिल्म में कन्नड़ के स्टार यश दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर देखकर भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब साउथ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चाय साबित होती है। हाल ही में रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिस तरह ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दोजहद कर रही है। बाहुबली से देश दुनिया में जमकर सुर्खियों में आए प्रभास और राणा दग्गुबत्ती की शानदार सफलता से प्रभावित हुए कन्नड़ फिल्मों के हीरो यश भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म केजीएफ के साथ आ रहे। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाहुबली के स्तर की। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे यश कहते हैं, जी हाँ, हमें निर्देशक राजा मौली की सुपरहिट फिल्म बाहुबली की सफलता के बाद हौसला मिला और हमने भी तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद तय किया कि केजीएफ को हम 5 भाषाओं में रिलीज करेंगे। यश आगे बताते हैं, मैं बॉलीवुड की फिल्मों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ, खास तौर पर महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों से। अगर आपको मेरी फिल्म केजीएफ में बिग बी की फिल्मों की झलक या स्टाइल नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निर्देशक दोनों ही अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, बस मेरे आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है, लेकिन मुझे अमिताभ के फिल्मों के तमाम डायलॉग जवानी याद है। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो। जीरो के अब तक 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं। टीजर को मिले जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हाल ही में उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले ही तगड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बता दिया है कि फिल्म कितनी कमाई कर लेगी। जीरो के डायरेक्टर आनंद यालाय को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म किंग खान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। ये भरोसा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फॉलोअर से बात करते समय दिखाया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मेहनत की है, ऐसे में इसे 350 करोड़ का आंकड़ा पार करने में फिल्म कोई परेशानी नहीं होगी। उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजा आया और मुझे भरोसा है कि ऑडियंस भी उतना ही एंजॉय करेगी। बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ माना जा रहा है। आनंद यल राय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदारों में होंगी। ट्रेड पंडितों का मानना है कि बजट का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक सेटेलाइट्स और डिजिटल राइट्स बेचकर ही निकाल लेंगे। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। तो चलिए बात आगे जाने फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। फिल्म का टाइटल जीरो रखा गया है। आनंद राय ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरापन होता है, मैं उसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं जीरो को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए फिल्म का नाम जीरो है। जीरो फिल्म की कहानी क्या है? मेरठ का रहने वाला 38 साल का एक आदमी है, हाइट में 3.5-4 फुट के करीब, इसलिए कुंवारा है और शादी के लिए परेशान भी। नाम है बउआ। दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो वाले के साथ शादी के लिए लगातार कनेक्शन बनाए हुए है। एक बार उसे एक लड़की की फोटो दिखती और वो दिल्ली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया। वो फिजिकली हैंडीकैप माने विकलांग, चलने फिरने बात करने में उसे परेशानी होती। बउआ पहले उसे देखकर हिचकता है, लेकिन बाद में उसे प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बराबरी का आया है, क्योंकि आफिया व्हील चेयर पर है और बउआ खड़े रहने पर उसकी हाइट तक आ जाता है। यहाँ तक सब ठीक है। फिर सीन में एंट्री होती है इंडिया की मशहूर हीरोइन की, इनका और बउआ का कोई सीन होता है और सब कुछ उलझ जाता है। क्यों, कैसे, क्या, ये सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा। ट्रेलर के लास्ट सीन में बउआ कहते हुए सुना जाता है, कहानियों में सुना था कि मोहब्बत में आशिक चांद तक ले आते हैं, साले को हमने ये बात सीरियसली ले ली और इस दौरान स्क्रीन पर एक रॉकेट धरती छोड़कर आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इस 3.25 मिनट के ट्रेलर में हमें नाच गाने से लेकर कॉमेडी
और लार्जर देन लाइफ टाइप लव स्टोरी दिखाई पड़ती है। फिल्म का ट्रेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया? बागौल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 3 को देखकर आया। उन्हें ऊंची दीवारों बिल्डिंगों से कूदता देसी सुपर हीरो अच्छा लग रहा था, लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देसी पने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक कहानी किसी बौने की नजर से दिखाई जाए। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था, बात नहीं बनी तो इसे शाहरुख खान के साथ बनाने का ऐलान कर दिया। अब बनकर तैयार है और रिलीज होने की राह ताक रही। शुरुआत में इसके कई नाम सामने आए थे, जैसे कैटरीना मेरी जान, बौना, बौआ, बुटका आदि आदि, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिसलीडिंग लग रहे, इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शाहरुख के किरदार के इर्द गिर्द घूम रही, जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कई लोगों को उसका अधूरापन ही पूरा करता है। सब मिलाकर जीरो दो इम्परफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है। कन्नड़ की बाहुबली और शाहरुख खान की जीरो में टक्कर होने जा रहा है। मेरा मानना है कि शाहरुख खान की जीरो को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अपना फैन फॉलोइंग है और दोनों के दर्शक वर्ग अलग अलग क्लास से आते हैं। केजीएफ को कन्नड़ के बाहुबली के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इस फिल्म को बाहुबली के तर्ज पर बनाया गया है। सलमान खान की अपनी ऑडियंस है, जिससे शाहरुख खान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसी भी फिल्म में सलमान खान का होना मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना। लोगों का मानना है इन दोनों फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री को 3,000 करोड़ का फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ शाहरुख खान हो और दूसरी तरफ सलमान खान, फिर उधर साउथ के सुपरस्टार यश हो, तो फिल्म इंडस्ट्री को 3,000 करोड़ का फायदा तो जरूर होगा ही। पहले ट्रेलर से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड के निर्माताओं ने आगे बढ़कर मुंबई में एक इवेंट के दौरान फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया। केजीएफ के ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा अभिनेती रॉकी के बचपन से होता है, जो बॉम्बे की सड़कों पर पला बड़ा है और बाद में कोलार की सोने की खानों तक अपना सफर तय करता है। 2 मिनट के ट्रेलर में दिखाए गए दमदार एक्शन ने बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए प्रत्याशा उत्पन्न कर दी है। वहीं एक्सल एंटरटेनमेंट ने ट्विटर हैंडल पर ट्रेलर साझा करते हुए दिखा कि फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई टू द ब्लडी गोल्ड माइंस ऑफ कोलार फील्ड प्रेजेंटिंग केजीएफ ट्रेलर 2। बता दें कि कन्नड़ की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी परियोजना केजीएफ पेश करने के लिए एक्सल एंटरटेनमेंट ने AA फिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है। इस कन्नड़ फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ 5 अलग अलग भाषाओं में बनाया गया है। यश, श्रीनिधि शेट्टी, राम्या कृष्ण, अनंत नाग, जॉन कोकेन, अयुच, अच्युत राव द्वारा अभिनीत केजीएफ प्रशांत नील द्वारा निर्देशित है और होम बेल फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म है। विजय क्रांगदूर द्वारा निर्मित केजीएफ के लिए रॉयल बसरू ने संगीत दिया है। वही केजीएफ एक्सल एंटरटेनमेंट की ये पहली कन्नड़ फिल्म है और ये प्रोडक्शन हाउस इस तरह की मेगा महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़कर प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। ये पीरियड ड्रामा 70 के दशक के कार्यकाल पर आधारित है और इसे 2 भागों में बनाया जाएगा। इनमें से पहला भाग का शीर्षक केजीएफ चैप्टर 1 होगा, जो 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होगा। दोस्तों, 70 और 80 के दशक की कहानी कहने आ रही है केजीएफ। भारतीय कलाकार यश और श्रीनिधि शेट्टी की आने वाली फिल्म केजीएफ का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है, जिसको दर्शकों से तुरंत ही जबरदस्त रिस्पांस मिलने लगा है। फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट बेंगलुरु में रखा था, जहां लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे। बता दें, फिल्म के ट्रेलर से पहले इसके पोस्टर्स और टीजर रिलीज किए गए थे, जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पोस्टर्स और टीजर्स को देखने के बाद कई सारे दर्शक ट्रेलर के लिए बेसब्र हो गए थे और ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि उनका इंतजार करना काफी सफल हुआ है। अगर फिल्म की बात करें तो ये एक पीरियड ड्रामा है,
जिसमें 70 और 80 के दशक का भारत देखने को मिलेगा। फिल्म की पूरी कहानी को कई सारे पोस्टर्स में रिवील किया जाएगा और पहले पार्ट का नाम KGF रखा गया है। फिल्म के ट्रेलर पर चर्चा की जाए तो इसमें जबरदस्त एक्शन, दमदार डायलॉग्स और शानदार CGI वर्क देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फिल्म के सीन्स को सपोर्ट करने के लिए रवि बसरूर ने बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। इन सारी चीजों के साथ साथ ट्रेलर में यश का लॉन्ग हेयर लुक भी दिखाई दे रहा है, जो उन्हें और भी दमदार बना रहा है। यश के दोस्त और जाने माने कलाकार राणा दग्गुबती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर KGF का ट्रेलर पोस्ट किया है और पूरी टीम को बधाई दी है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कई मौकों पर आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन की किसी उस फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने जबरदस्त एक्शन और डायलॉग डिलीवरी दी है। खुद फिल्म के मुख्य अभिनेता यश और फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने भी इस बात की पुष्टि की है। दोनों का कहना है कि 70 का दशक बिना अमिताभ बच्चन के पूरा नहीं हो सकता। इस बारे में बताते हुए यश कहते हैं, मैं फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूं और 70 के दशक में आई हुई उनकी सभी फिल्मों का जादू सभी के सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसके चलते हमारी फिल्म की पृष्ठभूमि भी 70 के दशक की है। उस समय के परिदृश्य को देखते हुए हमारी फिल्म में और मेरी भूमिका में उनकी भूमिका से भी प्रेरणा ली है। वहीं फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील का कहना है कि फिल्म 70 के दशक में होने के चलते अमिताभ बच्चन और मुंबई दोनों ही उनकी फिल्म का अहम भाग है। उनके फिल्म के हीरो यश की छवि में अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन के रूप में निश्चित तौर पर पर्दे पर दिखाई देगी और मुंबई शहर चूंकि सिटी ऑफ ड्रीम्स है, जिसके चलते उसे भी फिल्म में अहम स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि कोलार गोल्ड फील्ड अथवा KGF का ट्रेलर अभी हाल ही में बेंगलोर में लॉन्च किया गया। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी और इसके 2 भाग होंगे। इसे भी बाहुबली के स्तर पर रिलीज और प्रचार करने की तैयारी की गई। दोस्तों, 3 दिन पहले रिलीज हुआ था 0 का आइटम नंबर हुस्न परचम, जिसमें कैटरीना कैफ अपने हुस्न के जलवे दिखाती हुई नजर आई, जिसे साथ में गाया है भूमि त्रिवेदी और राजा कुमारी ने। और आज KGF मूवी का भी आइटम नंबर रिलीज हो गया है। जी हाँ, गली गली में, गली गली में के नाम से, जिसे गाया है नेहा कक्कर और तनिष्क बागची ने और इस गाने को लिखा है रश्मि विराग ने और मोनी रोए अपने जलवे दिखाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये जब से आइटम नंबर का दौर चल पड़ा है, तब से हर फिल्म में एक न एक आइटम नंबर का होना तो जरूरी ही हो गया है। और खास बात तो ये है कि आइटम नंबर को दिखाया ही इस कदर जाता है कि वो कहानी का ही हिस्सा लगता है। अब भैया, फिल्में तो ऐसे ही बनेगी ना जैसी ऑडियंस की डिमांड होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर फिल्म में मसाला नहीं होगा तो ऑडियंस बोर तो हो ही जाएगी। दोस्तों, हिंदुस्तान की 80% जनता फिल्म एंटरटेनमेंट देखने के लिए आती है, चिलैक्स करने के लिए आती है और फैंस को ख्वाबों की दुनिया बेहद पसंद है। और फिल्मों का तो काम ही यही है कि वो दिखाना जो कि किसी का ख्वाब हो, ताकि वो अपने ख्वाब फिल्मों के जरिए तो जी ही सके। हालांकि आजकल रियलिस्टिक फिल्मों का भी दौर शुरू होता नजर आ रहा है। दोस्तों, हुस्न परचम और गली गली में दोनों ही गाने टी सीरीज ने लॉन्च किए हैं। एक ही साथ लॉन्च होते तो इतने व्यूज नहीं जा पाते जितने की गए हैं और अभी तो और व्यूज आने बाकी है। हुस्न परचम में कैटरीना कैफ को और गली गली में मोनी रॉय को देखने का रस ही कुछ और है। और दोस्तों, ये ही अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक टीवी एक्ट्रेस की तुलना आज की तारीख में एक बिग स्क्रीन एक्ट्रेस के साथ की जा रही है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। भले ही मोनी रॉय का जलवा गाने में लाजवाब है, मगर कैटरीना कैफ को टक्कर देने के लिए थोड़ा फीका पड़ रहा है। वो उस पर भी निर्भर करता है कि गाने को किस कदर दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, बेशक हुस्न परचम में कैटरीना कैफ का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, छोटे पर्दों से फिल्मों में कदम रखने वाली अभिनेत्री मोनी रॉय इन दिनों खूब डिमांड में है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड के बाद वो रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रही हैं और इसी बीच उन्हें कन्नड़ा फिल्मों के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म KGF में एक डांस नंबर का न्योता भेजा। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर और कैनवास देखने के बाद मोनी गाना करने के लिए तैयार भी हो गई। KGF में सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के गाने गली गली में फिरता है को रिक्रिएट किया गया है। इस गाने को कोरियोग्राफ किया गणेश आचार्य ने। दोस्तों, गणेश बताते हैं, फिल्म त्रिदेव के गाने के दौरान मैं बैकग्राउंड डांसर था और आज इतने सालों के बाद उसी गाने को मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। गाने की शूटिंग के दौरान हुई बातचीत में फिल्म के अभिनेता यश ने कहा, KGF गोल्ड माइनिंग की कहानी है जिसमें भरपूर ड्रामा,
इमोशन, एक्शन और फुल ऑन मनोरंजन देखने को मिलेगा। मैंने अपने करियर में आज तक किसी फिल्म को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया है, लेकिन प्रमोशन के दौरान जब लोगों का प्यार मिल रहा है तो मजा भी आ रहा है। मोनी बताती हैं, मैंने इस फिल्म में फिल्म त्रिदेव का सुपरहिट गाना गली गली में फिरता है पर परफॉर्म किया है। ये गाना मेरा फेवरेट भी रहा है। मैंने फिल्म के दोनों ट्रेलर देखे हैं पर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वहीं यश बताते हैं, वैसे तो ये गाना पूरी तरह मोनी का है, लेकिन हमारे डांस मास्टर गणेश आचार्य ने मेरे लिए भी गाने में जगह बनाई है, तो मैं भी आपको इस गाने में नजर आऊंगा। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हो रही अपनी फिल्म के बारे में यश कहते हैं, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बार बार उनकी फिल्म का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वरना लोग यही कहेंगे कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मैं शाहरुख और उनकी फिल्म जीरो के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। त्योहार पर एक साथ दो या तीन फिल्म रिलीज होने में कोई समस्या नहीं है, हर समय दो से तीन फिल्मों की जगह आराम से होती है। फिल्म के बारे में अगर अच्छी बात हो रही है तो दर्शक फिल्म जरूर देखते हैं, और त्योहार के मौके पर दो से तीन फिल्मों की रिलीज पर प्रतियोगिता तो होती ही रहती है। दोस्तों साथ ही साथ यश कहते हैं, हमारी फिल्म रीजनल नहीं बल्कि इंडियन फिल्म है। कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म रीजनल है या क्या है, अगर आपकी कहानी अच्छी है और दर्शकों को पसंद आ रही है तो बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों फिल्म केजीएफ 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज हो रही है। दोस्तों हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी फिल्म का क्लैश तो होता ही है, मगर इस बार 21 दिसंबर को जो क्लैश होने जा रहा है वो शायद ही भारत फिल्म उद्योग के इतिहास में हुआ होगा। जी जनाब, आपने एकदम सही सुना, 21 दिसंबर 2018 को इतिहास दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इस रोज 6 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक दिन और कौन सी 6 फिल्में हैं जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले अपने खान, दोस्तों सबसे पहले तो है अपने किंग खान की मूवी जीरो। दोस्तों वहीं साउथ की 3 फिल्में रिलीज हो रही है, अंतरिक्षम 9000 KMPH और KGF चैप्टर फर्स्ट और मारी 2। दोस्तों वहीं अनुपम खेर की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी रिलीज हो रही है, और इसी के साथ साथ हॉलीवुड की भी एक मूवी बम्बल भी। दोस्तों ये तो दास्तान ही बन जाएगी, नहीं एक ही दिन में 6 फिल्मों की दास्तान। जरा सुनिए तो सही, एक दिन में 6 फिल्मों की दास्तान। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं पहली फिल्म से। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की जीरो। दोस्तों जीरो एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी हिमांशु द्वारा लिखी गई है और फिल्म का निर्देशन आनंद एल रॉय कर रहे हैं। फिल्म को कोलैबोरेशन के साथ कलर येलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है। फिल्म के अहम किरदारों की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, अभय देओल, तिग्मांशु धूलिया नजर आने वाले हैं। बात की जाए फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का 200 करोड़ से ऊपर का बजट है। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म में शाहरुख खान एक बोने का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम बहुआ सिंह है, जिसे अपने साथी के रूप में नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट आफिया, जिसकी भूमिका में अनुष्का शर्मा है, वो दिख जाती हैं। पर असल परेशानी तो तब शुरू होती है जब बॉलीवुड की एक बड़ी शराबी एक्ट्रेस बबीता यानी की कैटरीना कैफ उसके काफी नजदीक आ जाती है, जिसका असर उन दोनों के रिश्ते पर पड़ता है। अब सवाल ये हो जाता है कि बहुआ सिंह किसको चुनेंगे। अब आपको क्या लगता है कि हम आपको पूरी कहानी ही बयां कर देंगे? जी नहीं जनाब, उसके लिए तो आपको 21 दिसंबर का इंतजार ही करना पड़ेगा। अब अगर बात करें अंतरिक्षम 9000 KMPH की, तो अंतरिक्षम 9000 KMPH एक इंडियन तेलुगु साइंस फिक्शन स्पेस थ्रिलर फिल्म है जिसके लेखक और निर्देशक संकल्प रेड्डी हैं। फर्स्ट फ्रेम एंटरटेनमेंट बैनर के अंडर बनाई गई अंतरिक्ष स्पेस साइंस फिक्शन पर बनाई गई पहली तेलुगु फिल्म है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संकल्प रेड्डी की बतौर निर्देशक ये दूसरी फिल्म है। फिल्म के नायक वरुण तेज को अपने करियर की दूसरी फिल्म कंचे से काफी प्रशंसा मिली। इस फिल्म में वरुण तेज का साथ अदिति राव हेदरी और लावण्या त्रिपाठी दे रही हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक 15 अगस्त 2018 पर रिलीज किया गया था और टीजर 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों वहीं अदिति राव हेदरी ने इसी साल सम्मोहनम जैसी हिट तेलुगु फिल्म दी है। वहीं दूसरी तरफ बंदूकों की बौछार के साथ
केजीएफ चैप्टर फर्स्ट रिलीज होने वाली है। केजीएफ चैप्टर फर्स्ट एक इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसका प्लॉट कोलर गोल्ड फील्ड्स का है। केजीएफ प्रशांत नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और विजय किरागंदूर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं होम्बले फिल्म्स के बैनर तले। यश और श्रीनिधि इस फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे। दोस्तों 80 के दशक की ये फिल्म 1700 साल से अत्याचारियों के खिलाफ चल रही जंग पर यह फिल्म आधारित है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ से ऊपर का बजट बताया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं मारी 2 की। तो मारी 2 बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित भारतीय तमिल एक्शन कॉमेडी फिल्म है। ये उनकी 2015 की फिल्म मारी की अगली कड़ी है। धनुष अपनी कंपनी वंडर बार फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने के अलावा मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साई पल्लवी धनुष के साथ काम करती दिखाई देंगी। दोस्तों अब बात करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नाम सुनते ही एक अलग सा इंटरेस्ट जगता है मन में। नहीं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयंती लाल गाधा के सहयोग से रुद्रा प्रोडक्शन बोरा ब्रोस द्वारा प्रस्तुत एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक इकोनॉमिस्ट भी थे और 2004 से 2014 तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस के अंडर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2014 की इसी नाम से संजय बारू द्वारा लिखी हुई जीवनी पर आधारित है जिसका बजट 23 करोड़ का है। दोस्तों इतना बड़ा क्लैश हो रहा है तो जरा सोचिए कि धमाका कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और ऐसी वीडियोस के लिए। अरे अरे एक सेकंड रुकिए तो जनाब, एक फिल्म तो रह ही गई और आपने भी याद दिलाना लाजमी नहीं समझा। मगर कोई बात नहीं, वक्त अभी भी हमारी मुट्ठी में है। तो चलिए बात कर लेते हैं उस आखिरी फिल्म की जो 21 दिसंबर को इन फिल्मों के साथ रिलीज होने जा रही है। वो है हॉलीवुड की बम्बलबी। जी हाँ, बम्बलबी 2018 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो कि ट्रांसफॉर्मर के ही किरदार बम्बलबी पर आधारित है। बम्बलबी ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी का एक काल्पनिक रोबोट सुपर हीरो कैरेक्टर है। ये फिल्म 2007 में आई ट्रांसफॉर्मर का प्रीक्वल है जिसका निर्देशन किया है ट्रेविस नाइट ने और लिखा है क्रिस्टीना हॉडसन ने। और दोस्तों हेली स्टाइनफेल्ड, जॉन सीना, जॉर्ज लैंडरबॉर्ग जीआर, जॉन ऑर्टिज, जेसन रकर और पैमेला एडलोन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं बम्बल बी की आवाज बनकर आएंगे डायलन ओब्रियन। फिल्म की शूटिंग लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में हुई है। दोस्तों हमारे इकोनॉमिकल एनालिसिस के बाद कौन सी फिल्म कितना कमाएगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इन सब मूवीज का एक साथ रिलीज होने के बावजूद जीरो मिनिमम 300 करोड़ तक कमाएगी ही। बात करें अंतरिक्षम की तो 50 से 100 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है और वहीं केजीएफ मिनिमम 200 करोड़ कमा सकती है। दोस्तों मारी 2 मिनिमम 100 करोड़ तो कमा ही लेगी और वहीं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि 50 करोड़ का आंकड़ा भी ना पार कर पाए। दोस्तों बात रही बम्बलबी की तो वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड मालूम पड़ सकती है इस क्लैश से, जो कि 50 करोड़ भी क्रॉस ना कर पाएगी, क्योंकि जनाब घर वाले को लोग पहले सुनते हैं, बाहर वाले को बाद में, समझे। कहीं कोई शाहरुख खान का फैन तो कहीं कोई नया नया बना साउथ मूवीज का दीवाना। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल चुप रहने का राज और हॉलीवुड फैंस जिनको होगा बम्बलबी का बेसब्री से इंतजार। और अगर आप में से कोई इन सभी को देखना चाहता है और जेब में है ढेर सारे पैसे तो बेशक सभी फिल्मों को देखने जाइए, मगर अक्सर लोग अपनी फेवरेट की भी फेवरेट की ओर खींचते हैं। तो फिर कौन सी मूवी है आपकी फेवरेट की भी फेवरेट? जाहिर सी बात है कि 6 क्लैशेस होने के बाद प्रॉफिट डिवाइड तो होगा ही, मगर ये राज तो हमें भी नहीं पता कि किसका मन किस ओर खींचेगा। वो तो आप सभी के दिलों में दफन है जो कि 21 दिसंबर को ही खुलेगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स में बेसिक सा फंडा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये जानने के लिए कि किसकी डिमांड बढ़ेगी और किसकी सप्लाई, दोस्तों बात करते हैं किन्होंने बनाई है ये फिल्म। जीरो फिल्म को डायरेक्ट किया है आनंद एल रॉय ने। आनंद इससे पहले थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, तन्नू वेड्स मन्नू सीरीज और रांझना जैसी फिल्म में डायरेक्ट करने के अलावा नीलबटे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान, हैप्पी भाग जाएगी और मनमर्जियां जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी कर चुके हैं।
कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफुल कंटेंट परोसने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म को लिखा है आनंद के साथ लंबे समय से जुड़े रह चुके हिमांशु शर्मा ने। हिमांशु इससे पहले आनंद के लिए तनु वेड्स मनु सीरीज और रांझना जैसी फिल्में लिख चुके हैं। अब यही जोड़ी शाहरुख खान के साथ जीरो लेकर आ रही है। दोस्तों अब सवाल है कि जीरो बनाने का आइडिया कहाँ से आया। बकौल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 को देखकर आया। उन्हें ऊंची दीवारों बिल्डिंगों से कूदता देसी सुपर हीरो अच्छा लग रहा था, लेकिन कसर थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देसी पन्ने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक कहानी किसी बोने की नजर से दिखाई जाए। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था। बात नहीं बनी तो इसे शाहरुख के साथ बनाने का ऐलान कर दिया गया। अब बनकर तैयार है और रिलीज होने की राह ताक रही है। शुरुआत में इसके कई नाम सामने आए थे, जैसे कैटरीना मेरी जान, बोना, बउआ, बुटका आदि आदि, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे ही नाम मिसलीडिंग लग रहे हैं। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शाहरुख के किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कई लोगों को उनका अधूरापन ही पूरा करता है। और सब मिलाकर जीरो दो इम्परफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है। दोस्तों बात करते हैं आ कब रही है। दोस्तों ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और वही ये तारीख बहुत ही लकी मानी जाती है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। पिछले कुछ सालों से आमिर खान ने ये तारीख हथियाकर खूब पैसे कमाए हैं। पिछले साल सलमान खान इसी वीक में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दर्शकों से क्रिसमस गिफ्ट लेकर आए हैं, टाइगर जिंदा है। नाम तो सुना ही होगा, ये सलमान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। अब इसी तारीख पर शाहरुख आ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जीरो चर्चा में है। चर्चा की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने बोने की भूमिका निभाई है। इससे पहले तीनों खान में से ये काम किसी ने नहीं किया था। ऐसे में जाहिर है कि तकनीकी लिहाज से ये फिल्म शाहरुख खान के लिए चैलेंजिंग रही है, क्योंकि उन्हें तकनीक द्वारा ही छोटे कद में दिखाया जा रहा है। कन्नड़ की बाहुबली और शाहरुख खान की जीरो में होने जा रहा है टक्कर। क्या बउआ कन्नड़ की बाहुबली केजीएफ को बॉक्स ऑफिस पर धूल चढ़ा देगा? केजीएफ को कन्नड़ की बाहुबली क्यों कहा जाता है? सुपरस्टार सलमान खान की वजह से शाहरुख खान की जीरो में बॉक्स ऑफिस पर क्या उछाल आएगा? बॉलीवुड को 3,000 करोड़ का फायदा इन दोनों फिल्मों से कैसे होने जा रहा है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। जीरो के सामने खड़ा है एक और महायोद्धा जिसका नाम है यश। यश की फिल्म केजीएफ को कन्नड़ की बाहुबली कहा जा रहा है। केजीएफ माने कोलार गोल्ड फील्ड्स, लंबा नाम भूल जाओ, शॉर्टकट केजीएफ याद रखो। ये फिल्म कन्नड़ फिल्म दो पार्ट में आ रही है। पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ और यूट्यूब पर धुआंधार देखा जा रहा है। अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। हालांकि इन व्यूज से फिल्म की औकात नहीं आंकनी चाहिए। अच्छे ट्रेलर व्यूज और अच्छी ओपनिंग के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तीसरे दिन भर भरा कर बैठ गई और केजीएफ का मुकाबला ट्रेलर व्यूज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीरो से रहेगा। दोनों 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। रॉकी नाम के एक लड़के की कहानी है। रॉकी का रोल यश ने किया है। यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ है। अवार्ड विनिंग कन्नड़ एक्टर है। कुल मिलाकर सिनेमा में पहचाना हुआ नाम है। केजीएफ 70 के दशकम सेट है। ट्रेलर में उसकी पैदाइश से लेकर गैंगस्टर बनने तक के सीन है। डायरेक्टर प्रशांत नील के मुताबिक यश ने महत्वाकांक्षी गैंगस्टर का रोल किया है। फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है। फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से बचपन और गैंगस्टर बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। यश के अलावा फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ सिम्हा, बाहुबली में राजमाता शिवगामी बनने वाली रमैया कृष्णन और मालविका अविनाश के खास रोल्स हैं। इसे अब तक की कन्नड़ की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है। अब वो बात जिसके लिए फिल्म का ट्रेलर खास है, अंधेरे में भव्यता का एहसास कराता ट्रेलर। यश का रोल अग्निपथ के अमिताभ की याद दिलाता है। यश ने दैनिक जागरण अखबार से बात कही थी, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उनके मुताबिक पूरे भारत में 5 भाषाओं में फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम। कुछ लोग बाहुबली से इसकी तुलना कर रहे हैं। हमको कुछ कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर का फील आ रहा है।
वो भी दो पार्ट्स में थी। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत भी मामूली आदमी नहीं है। 2014 में उग्रम फिल्म से डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस की खिड़की तोड़ दी, क्रिटिक्स के मुंह पर फेवी गोंद चिपका दिया। उसे 2014 तक के कन्नड़ सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया, इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदें हैं। और हाँ, इसमें फरहान अख्तर का पैसा भी लगा है। यश का कहना है कि ये फिल्म बनने में 1000 दिन लगे, शूटिंग में 150 से 200 दिन लगे, लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रोडक्शन और तैयारी में गए, यानी फिल्म पर वाकई भारी मेहनत की गई है। यश का कहना है कि हमारा मुकाबला क्षेत्रीय फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बल्कि हॉलीवुड से है, पूरे भारत को एक मानते हैं। तमन्ना ने कुछ इस प्रकार कहा, ये पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिरकी हूँ, इस तरह का बेहतरीन अनुभव कभी नहीं रहा, ये रेट्रो कैबरे गाना है। और उनका कहना है कि कन्नड़ फिल्म केजीएफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा आया। तमन्ना पुराने गाने जो के नानू वालिया मीचू के रिक्रिएटेड वर्जन पर थिरकी, जो निर्देशक राजकुमार की कन्नड़ फिल्म परोपकारी में दिवंगत विजय ललिता पर फिल्माया गया था। शाहरुख की जीरो से टकराएगी यश की केजीएफ, जिससे दोनों फिल्मों को नुकसान हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्टरों की ऑडियंस अलग अलग है। वैसे तो शाहरुख की जीरो के आसपास कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, लेकिन एक कन्नड़ फिल्म इसे टक्कर देने के लिए तैयार है। इस फिल्म का नाम है केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड्स। इस फिल्म में कन्नड़ के स्टार यश दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर देखकर भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब साउथ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चाय साबित होती है। हाल ही में रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिस तरह ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दोजहद कर रही है। बाहुबली से देश दुनिया में जमकर सुर्खियों में आए प्रभास और राणा दग्गुबत्ती की शानदार सफलता से प्रभावित हुए कन्नड़ फिल्मों के हीरो यश भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म केजीएफ के साथ आ रहे। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाहुबली के स्तर की। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे यश कहते हैं, जी हाँ, हमें निर्देशक राजा मौली की सुपरहिट फिल्म बाहुबली की सफलता के बाद हौसला मिला, और हमने भी तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद तय किया कि केजीएफ को हम 5 भाषाओं में रिलीज करेंगे। यश आगे बताते हैं, मैं बॉलीवुड की फिल्मों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ, खास तौर पर महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों से। अगर आपको मेरी फिल्म केजीएफ में बिग बी की फिल्मों की झलक या स्टाइल नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निर्देशक दोनों ही अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, बस मेरे आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है, लेकिन मुझे अमिताभ के फिल्मों के तमाम डायलॉग जवानी याद है। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो। जीरो के अब तक 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं। टीजर को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हाल ही में उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले ही तगड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने ये तक बता दिया है कि फिल्म कितनी कमाई कर लेगी। जीरो के डायरेक्टर आनंद यालाय को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म किंग खान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। ये भरोसा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फॉलोअर से बात करते समय दिखाया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मेहनत की है, ऐसे में से 350 करोड़ का आंकड़ा पार करने में फिल्म कोई परेशानी नहीं होगी। उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजा आया, और मुझे भरोसा है कि ऑडियंस भी उतना ही एंजॉय करेगी। बता दें कि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ माना जा रहा है। आनंद यल राय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदारों में होंगे। ट्रेड पंडितों का मानना है कि बजट का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेच कर ही निकाल देंगे। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। तो चलिए बात आगे जाने, फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। फिल्म का टाइटल जीरो रखा गया। आनंद राय ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरापन होता है, मैं उसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं जीरो को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए फिल्म का नाम जीरो है। जीरो फिल्म की कहानी क्या है? मेरठ का रहने वाला 38 साल का एक आदमी है, हाइट में 3.5-4 फुट के करीब, इसलिए कुंवारा है और शादी के लिए परेशान भी। नाम है बउआ। दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो वाले के साथ शादी के लिए लगातार कनेक्शन बनाए हुए हैं।
एक बार उसे एक लड़की की फोटो दिखती है और वो दिल्ली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया। वो फिजिकली हैंडीकैप माने विकलांग, चले फिरने बात करने में उसे परेशानी होती। बौवा पहले उसे देखकर हिचकता है लेकिन बाद में उसे प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बराबरी का आया है क्योंकि आफिया व्हील चेयर पर है और बौवा खड़े रहने पर उसकी हाइट तक आ जाता है। यहाँ तक सब ठीक है। फिर सीन में एंट्री होती है इंडिया की मशहूर हीरोइन की। इनका और बौवा का कोई सीन होता है और सब कुछ उलझ जाता है। क्यों, कैसे, क्या, ये सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा। ट्रेलर के लास्ट सीन में बौवा कहते हुए सुना जाता है, कहानियों में सुना था कि मोहब्बत में आशिक चांद तक ले आते हैं। साले को हमने ये बात सीरियसली ले ली और इस दौरान स्क्रीन पर एक रॉकेट धरती छोड़कर आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इस 3.25 मिनट के ट्रेलर में हमें नाच गाने से लेकर कॉमेडी और लार्जर देन लाइफ टाइप लव स्टोरी दिखाई पड़ती है। फिल्म का ट्रेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया? बागौल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 को देखकर आया। उन्हें ऊंची दीवारों बिल्डिंगों से कूदता देसी सुपर हीरो अच्छा लग रहा था, लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देसी पने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक कहानी किसी बौने की नजर से दिखाई जाए। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था। बात नहीं बनी तो इसे शाहरुख खान के साथ बनाने का ऐलान कर दिया। अब बनकर तैयार है और रिलीज होने की राह ताक रही। शुरुआत में इसके कई नाम सामने आए थे जैसे कैटरीना मेरी जान, बौना, बौवा, बुटका आदि आदि, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिसलीडिंग लग रहे हैं। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शाहरुख के किरदार के इर्द गिर्द घूम रही, जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कई लोगों को उसका अधूरापन ही पूरा करता है। सब मिलाकर जीरो 2 इम्परफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है। कन्नड़ की बाहुबली और शाहरुख खान की जीरो में टक्कर होने जा रहा है। मेरा मानना है कि शाहरुख खान की जीरो को इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि दोनों का अपना फैन फॉलोइंग है और दोनों के दर्शक वर्ग अलग अलग क्लास से आते हैं। केजीएफ को कन्नड़ के बाहुबली के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इस फिल्म को बाहुबली के तर्ज पर बनाया गया है। सलमान खान की अपनी ऑडियंस है जिससे शाहरुख खान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसी भी फिल्म में सलमान खान का होना मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना। लोगों का मानना है इन दोनों फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री को 3,000 करोड़ का फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ शाहरुख खान हो और दूसरी तरफ सलमान खान, फिर उधर साउथ के सुपरस्टार यश हो, तो फिल्म इंडस्ट्री को 3,000 करोड़ का फायदा तो जरूर होगा ही। फिल्म केजीएफ और शाहरुख खान की फिल्म जीरो का इस बार क्लैश होने जा रहा है। दोनों फिल्में 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली हैं। ऐसे में फिल्म केजीएफ से जुड़े फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इसको लेकर अपनी बात रखी। फिल्म केजीएफ के दूसरे ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म निर्माता रमेश सिद्धवानी ने शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ होने वाले क्लैश को लेकर कहा कि इस फिल्म को जितनी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए उतनी स्क्रीन्स मिल जाएंगी और भारत में ढेरों स्क्रीन हैं। चूंकि त्योहारों का अवसर होगा जिसके चलते फिल्म को जितनी स्क्रीन्स चाहिए उतनी मिल जाएंगी। हालांकि उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि इस फिल्म को रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के बराबर स्क्रीन नहीं मिलेंगी। इस मौके पर रितेश सिद्धवानी ने ये भी कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा अवसर है जो कि दक्षिण भारत में उनकी फिल्मों के द्वार खोल रही है। वहीं इस मौके पर फरहान अख्तर ने ये कहा कि इस फिल्म का कंटेंट ही दमदार है। फिल्म का कंटेंट इसका USP है, जैसे कि एक बच्चे से उसकी माँ वचन लेती है कि वो मरते वक्त सबसे शक्तिशाली और पैसे वाला होकर मरेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। गौरतलब है कि फिल्म KGF में दक्षिण भारत के सुपरस्टार यश की मुख्य भूमिका है। वहीं इस फिल्म से मिस इंडिया में भाग ले चुकी श्रीनिधि शेट्टी ने डेब्यू किया है। ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से दक्षिण का रुख करने वाले फरहान रितेश ने ये भी कहा कि फिल्म को लेकर उनके पास रवीना टंडन के पति
अनिल थरानी आए थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के कुछ भाग देखे और इसे प्रस्तुत करने का तय किया। दोस्तों, आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म KGF के रिव्यू को लेकर। मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, और वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं KGF के रिलीज होने की वजह से जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि KGF में ऐसी क्या खास बातें हैं। दोस्तों, मल्टीप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेड फिल्में बनना बंद हो गई, जिनमें बड़े स्टार्स नजर आते थे। 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी। इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, बदले की आग जैसी बी ग्रेड फिल्मों का न केवल बजट बड़ा हुआ करता था, बल्कि इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे। 2018 में आश्चर्यजनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली। सलमान खान की रेस 3, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिल्म्स KGF चैप्टर फर्स्ट भी इसी श्रेणी की फिल्म है, और ये कन्नड़ भाषा में बनी है, जिसे हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है। दोस्तों, कहानी 1950 से 1981 के बीच की है, और जहां एक तरफ खलनायकों को सोने की खदान हाथ लगती है, तो दूसरी ओर राजा कृष्णाप्पा बेरिया और रॉकी का जन्म होता है। मुंबई की गलियों में रॉकी पलता बढ़ता है। लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मां गरीबी के कारण दम तोड़ देती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे रॉकी को कहती है कि तू गरीबी में भले ही पैदा हुआ हो, लेकिन मरना अमीरी में। माँ की बात को रॉकी गांठ बांध लेता है और अपराध जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है। दोस्तों, रॉकी एक तूफान की तरह है, और यदि उसके दुश्मन आग है तो वो पेट्रोल है, और उसके एक मुक्के में इतना दम है कि किसी को जमा दे तो वो सैकड़ों फीट उछल जाए, और 25-50 मुस्टंडो के लिए तो वो अकेला ही काफी है। पल भर में वो लाशों का ढेर बिछा देता है। रॉकी की तारीफ सुनकर उसे बेंगलोर बुलाया जाता है, और गरुड़ा नामक बदमाश को मारने का जिम्मा सौंपा जाता है, जिसकी खदान है। बेंगलोर में रॉकी उसे मारने में नाकामयाब रहता है, और फिर वो कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है। गरुड़ा का अपना इतिहास है, उसके पिता का बड़ा साम्राज्य है जिस पर कई लोगों की नजर है। दोस्तों, निर्देशक प्रशांत नील ने ही कहानी लिखी है, और उन पर बाहुबली और गैंग्स ऑफ वासीपुर का प्रभाव नजर आता है। बाहुबली की तरह जहां गरुड़ा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के षड्यंत्र रचता है, तो वहीं गैंग्स ऑफ वासीपुर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है। कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है, और ये जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने। यश अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अवतार में नजर आते हैं। फिल्म का पहला एक घंटा रॉकी की छवि को बनाने में खर्च किया गया है, और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है, सिगरेट का धुआं उड़ाता है और शराब गटकता रहता है। स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं। वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गढ़ते रहते हैं। निर्देशक प्रशांत नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाय खूब घुमा फिराकर अपनी बात कही है। रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है। फिल्म कई बार फ्लैशबैक में जाती है, कहानी में कहानी सुनाई जाती है। क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है, इसलिए कई बार दूसरे भाग की झलक दिखाई गई है, और ये सब कुछ कंफ्यूजन को बढ़ाता है। शायद प्रशांत ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है। प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है। फिल्म में हिंसा की भरमार है, हर दूसरे मिनट मारकाट मचती रहती है। गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है। हथौड़ा, चैन, चाकू, रॉड, तलवार, फावड़ा से खून बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तेमाल भी किया गया है। और दोस्तों, एक्शन का ये ओवरडोज कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है। फिल्म की कलर स्कीम बेहद डार्क है, ब्राउन और ब्लैक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ज्यादातर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किए गए हैं। स्क्रीन पर ज्यादातर समय अंधेरा छाया रहता है। बहुत ज्यादा कट्स लगाए गए हैं, और 3-4 सेकंड से ज्यादा एक शॉट टिकता ही नहीं है। वहीं कलाकारों के गेटअप भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नजर आते हैं। दोस्तों, जैसे बेतरतीब लंबे बाल और दाढ़ी, काले कपड़े, और साथ ही साथ रात में भी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं है, और ना ही उन्होंने ब्रश किया है। पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुक प्रशांत ने दिया है। निश्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है, लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी। दोस्तों, फिल्म दो भाग में आएगी, और अच्छी बात ये है कि पहला भाग
एक कंप्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आधी ही फिल्म देखी है। फिल्म को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्सचर दिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलॉग्स बाजी भी है, जैसे कि इफ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और वही दूसरा डायलॉग है, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाकेदार डायलॉग सुनने को मिलते हैं। लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहद जमे हैं, वो स्टाइलिश लगे हैं, एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए हैं। तो वहीं श्रीनिधि शेट्टी सहित अन्य कलाकारों के लिए खास स्कोप नहीं था। केजीएफ में एक्टिंग, एक्शन, डायलॉग्स, फैक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी सभी चीजें बहुत ज्यादा लाउड है। स्टाइल और प्रेजेंटेशन ही इसे अलग बनाता है। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में पहुंच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, दक्षिण भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्साह है। मगर साउथ में जीरो का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इस शुक्रवार 21 दिसंबर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं और जिनकी काफी चर्चा भी रही है। जीरो देश भर में 5,965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जिनमें से 4,380 स्क्रीन्स भारत और 1,585 ओवरसीज के लिए अलॉट की गई है। आनंद एल रॉय निर्देशित जीरो में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। मोहम्मद जीशान अयूब फिल्म में शाहरुख के किरदार बहुआ सिंह के साइड किक का रोल निभा रहे हैं। साउथ में जीरो की सबसे बड़ी टक्कर मारी टू से होने जा रही है, जिसमें धनुष लीड रोल में है। बालाजी मोहन निर्देशित फिल्म में साई पल्लवी फीमेल लीड रोल निभा रही हैं। मारी टू को लेकर तमिल भाषी दर्शकों के बीच काफी हाइप बनी है। ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है। दोस्तों साउथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज केजीएफ चैप्टर 1 भी है, जो कन्नड़ फिल्म है जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है। प्रशांत नील निर्देशित फिल्म में यश ने लीड रोल निभाया है। ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है। हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी केजीएफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है। केजीएफ में तमन्ना भाटिया और मौनी रॉय ने आइटम सॉन्ग्स किए हैं। केजीएफ हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जबकि कन्नड़, तेलुगु में 400, तमिल में 100 और मलयालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है। दोस्तों हाल ही में साउथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवरसीज में बेहतरीन बिजनेस किया है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 तमिल सिनेमा की फिल्म है, जिसे हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 400 करोड़ से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन चुकी है। और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड़ से अधिक जमा कर लिए हैं। दोस्तों आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो, केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा। और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ ज्यादा ओपनिंग नहीं कर पाई। जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सुपरहिट हुए थे, लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई। तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की, तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है। सबसे पहले बात करते हैं कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की, जिसने अपने दमदार एक्शन और अच्छी कहानी से लोगों को एंटरटेन तो किया, साथ में अच्छी ओपनिंग भी की। केजीएफ फिल्म का बजट 80 करोड़ था। इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3,000 स्क्रीन्स पर और 4 भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म को मिले अच्छे रिएक्शन की वजह से इसकी स्क्रीन्स को बढ़ा दिया गया है। फिल्म ने पहले दिन कर्नाटका से 28 करोड़, हिंदी से 4 करोड़ और तमिल और तेलुगु से केजीएफ ने 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। केजीएफ ने टोटल 39 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन किया था और फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक से भी बढ़िया रेटिंग मिली थी, जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि अब तक का किसी कन्नड़ फिल्म का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। बात करें फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की, तो ये फिल्म आगे बढ़िया कलेक्शन करेगी। वीकेंड पर संडे का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा। दोस्तों अब अगर बात करें मारी टू की, तो
इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी ओपनिंग दी है। ये एक एक्शन फिल्म थी। तमिल सुपरस्टार धनुष की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ दो ही भाषाओं में रिलीज हुई है। 30 करोड़ के बजट वाली फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी रेटिंग दी है, जिसका असर हमें ओपनिंग कलेक्शन पर देखने को मिला। और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि फिल्म ने अपने सेकेंड डे कलेक्शन में 13 करोड़ बटोरे, जो कि काफी बढ़िया रहा। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म ने अब तक 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वीकेंड में संडे का फायदा भी इस फिल्म को मिल सकता है। और अब बात करें हमारे शाहरुख खान की जीरो की, जिसकी चर्चाओं का बाजार गर्म तो था, लेकिन फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पब्लिक ने जीरो को अच्छा रेस्पॉन्स तो दिया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। इस फिल्म से ग्रैंड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ओपनिंग ठीक ठाक रही। जीरो ने पहले दिन 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया, जो कि 200 करोड़ के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिल्म को पब्लिक ने तो अच्छी, लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वजह से इसके सेकेंड डे कलेक्शन में बिल्कुल ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला। फिल्म को 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। जीरो ने दूसरे दिन भी 20 करोड़ तक का ही कलेक्शन किया, जो कि नॉर्मल है। वहीं बात करें फिल्म के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पहले दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि अच्छा साबित हुआ। बात करें फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की, तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को संडे और क्रिसमस का बेनिफिट मिल जाए, जिससे कि फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए। दोस्तों, धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है, और क्या वीकेंड में संडे होने की वजह से ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो कि कल यानी कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी, और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, 21 दिसंबर 2018 को जीरो, मारी 2, अंतरिक्षम 9000 KMPH, KGF जैसी अलग अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई हैं। और इनमें से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं, तो कुछ छोटे बजट की। इनमें से बॉलीवुड की जीरो और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं, जबकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मारी 2 और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अंतरिक्षम छोटे बजट की फिल्में थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फिल्मों के पहले दिन के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की जीरो की, जो 200 करोड़ के बजट वाली फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म ने लोगों को एंटरटेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है, और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रही है, और ये फिल्म थिएटर्स में लोगों को लाने में कामयाब रही। और फिल्म को आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा, अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कन्नड़ फिल्म KGF की, तो फिल्म का बजट 80 करोड़ था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। कोलर गोल्ड माइंस पर बेस्ड ये फिल्म 80s की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार यानी कि यश ने लीड रोल प्ले किया है, और ये फिल्म अब तक की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और अभी फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है। KGF को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है। KGF ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया, और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ है,
जो कि डब्ड फिल्म होने की वजह से बहुत बड़ा है। दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 की, जो कि मारी का सीक्वल है। फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिए हैं। टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि एवरेज है। लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है। वहीं बात करें तेलुगु फिल्म अंतरिक्षम 9000 KMPH की, तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने किया था। इस फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार वरुण तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉन्स मिला है। फिल्म को भी टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज होने की वजह से इस फिल्म को भी काफी कम दर्शक मिले हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1,60,00,000 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि काफी बढ़िया है। अंतरिक्षम फिल्म का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया है, लेकिन फिल्म पर एक साथ 4 फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है, लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है। अरे मेरी टिकट तो जल्दी से, मेरा शो मिस हो रहा है। अरे तुम तो वही थी ना जो मुझे मिले थे मूवी। आपके पास एक टिकट बदल गई पता है मेरी। और हाँ मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने 0 देखी। और मैं भी आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं 0 देखने वाला था, पर KGF देख के आया, मजा आ गया देख के। क्या मूवी, व्हाट अ मूवी, यश का, यश ने फाड़ दिया भाई, आग लगा दी। मैं भी देखने वाली थी लेकिन किस्मत किस्मत की बात होती है। बाकी 0 बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मूवी है। पता है इतने टाइम बाद मैंने SRK की इतनी बढ़िया मूवी देखी है। मैं SRK का, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन SRK के बाद अगर मैं किसी का फैन हूँ तो यश का फैन हूँ भाई। मैं बहुत बड़ा, यश ने क्या एक्टिंग किया, फाड़ डाला यार, गजब, मजा आ गया। वैसे क्या खास था 0, बताओ जरा। 0 में खास या दिखाती है, देखो पहली क्या? बात तो जैसा रोल उसने अदा किया है शाहरुख खान ने SRK ने बोने का, मेरे को लगता वो कोई और इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता उस रोल को। एक अलग ही चीज देखने को मिली है उस मूवी में यार। एक सच बात बताऊं, बिल्कुल शायद यश ने जो भी एक्टिंग करी होगी मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिस तरीके से SRK कैरेक्टर के अंदर घुसा है वो शायद यश नहीं घुस पाता। घुस पाता या नहीं घुस पाता एक अलग चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग जोनर की फिल्म है। जो KGF में जो यश ने किया है वो शाहरुख खान शायद नहीं कर पाता, लेकिन जो SRK ने किया है वो यश भी नहीं कर पाता। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाहरुख खान बोना बना और यश गुंडा, एंटी हीरो टाइप, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, लोग जब हाथों में बंदूक लेके टूटता है ना, सीटियां बजती है भाई, लोग पागल हो गए उसे देख के। SRK को देखकर ऐसा हुआ कुछ मूवी में? बिल्कुल हुआ, लोग तो पागल हो गए थे, इतनी ज्यादा होर्डिंग कर रहे हैं। और पता है सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला सीन तो वही था जो रॉकेट का था, और जब रॉकेट उड़ा ना यार सबका मन खुश हो गया। आपने हुआ था ऐसा कुछ सीन? रॉकेट को चला कौन रहा था उसको? SRK चला रहा था रॉकेट को। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि शाहरुख खान स्पेस में गया? तो वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है यार, देखनी पड़ेगी। लेकिन KGF ने दिल लूट लिया मेरा। मैं तो जाई KGF ली थी यार, अब देखने 0 चली गई। पता है सस्पेंस खोलूं मैं तुम्हारा? क्या था 0 में? तुमने 0 देखनी थी तो मुझे बता दो ना, आप स्टोरी बता दो, मुझे स्टोरी मत बताओ, कुछ मेन चीज बता दो जिससे मैं खुश हो जाऊं, ताकि मन में थोड़ा मलाल ना रहे कि मैं 0 नहीं देख पाया। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को जानने की? मैं सबसे पहले तुम्हारा वही वाला सस्पेंस खोलती हूं। कैटरीना कैफ के साथ क्या था, क्या सीन था शाहरुख खान का और उसका, क्या क्या था? कैटरीना क्या आपकी कोई जोड़ी ऐसा नहीं था कि उसी के साथ जोड़ी बननी थी SRK के साथ? हाँ अभी देओल भी था इस मूवी में, वो उनके बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहे थे। मतलब शाहरुख खान से कैटरीना कैफ सेट नहीं थी फिल्म में? थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, अभी देओल के बाद। और अनुष्का शर्मा? मैं आपको बता दूं कि मतलब कैटरीना कैफ का रोल इसमें ऐसा था, बहुत बड़ी सुपरस्टार दिखाई गई है बबीता कुमारी, बट पॉइंट क्या था ना, मतलब उसका थोड़ा मेंटली अंदर से अधूरी अधूरी सी रहती थी वो बहुत ज्यादा। तो उसे पूरा अभय देओल ने किया? पूरा अभय देओल ने किया ऐसा भी नहीं बोल सकती। अच्छा ये बताओ अनुष्का शर्मा का क्या सीन था? अनुष्का शर्मा एक साइंटिस्ट है,
वो किसके साथ सेट है? अच्छा मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट तुमने थ्री इडियट्स देखी थी जिसमें वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, क्या नाम था? आर माधवन। बिल्कुल, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, उन्हीं के साथ। मतलब शाहरुख खान के साथ कौन सेट था, मुझे ये जानना है। यार शाहरुख खान के साथ कोई भी सेट नहीं था, ना ही अनुष्का ना ही कैटरीना। कैटरीना अपनी अलग सुपरस्टार थी। हाँ मैं आपको बता दूं कि SRK पागल था बबीता कुमारी के लिए, चाहता था उसको। थोड़े टाइम के लिए उनकी केमिस्ट्री आई थी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि उनसे शादी हो जाए या कुछ, ऐसा कुछ सीन नहीं था। हाँ लेकिन अनुष्का शर्मा की शादी आर माधवन के साथ हुई थी और वो दोनों ही साइंटिस्ट थे। और इतनी बड़ी जो स्टार कास्ट थी उसमें अभी एक दीपिका, मैंने क्या नाम है, और उसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, उसमें दीपिका पादुकोण भी है, श्रीदेवी, काजोल, रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट, ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? तुमने मूवी पहले से देख रखी है? नहीं नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे बताया गया था। अच्छा मेरी बात सुनो, बबीता कुमारी इसमें एक बहुत बड़ी सुपरस्टार का रोल अदा कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ बॉलीवुड का नाम आएगा वहाँ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बाकी बॉलीवुड सितारे भी तो दिखाएंगे ना यार। उसमें दीपिका, श्रीदेवी, आलिया भट्ट और करिश्मा कपूर को भी दिखाया गया और वो सब कैमियो रोल में थी। और एक वो कौन सा इंसान है जो हमेशा क्या नाम है, कई फिल्मों में उसने दोस्तों का रोल भी अदा किया है, जिशा नयूब। हाँ जिशा नयूब, उसका क्या सीन आता, उसको मुझे जानने का बहुत मन है। तो आपने देखा है कि वो ज्यादातर जाना ही दोस्ती के रोल्स के लिए जाता है, चाहे हम रामजना उठा के देख ले और भी बहुत सारी मूवीज, तो उसमें इसका मतलब अच्छा दोस्त बना उसमें। बिल्कुल, वो हमेशा से अच्छा दोस्त का किरदार निभाता है, इस बार भी बहुत अच्छे दोस्त का किरदार निभाता है, यानी कि जीरो देखनी पड़ेगी। वैसे आपका क्या ख्याल है कि जीरो फर्स्ट डे कलेक्शन कितना कर पाएगी, ऑल ओवर इंडिया, ना ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कितना कर पाएगी? यार कुछ 20-25 करोड़, 20-25 करोड़, बस 200 करोड़ लगा के 20-25 करोड़। ज्यादा बोलो मत, अपना बताओ KGF के क्या देखा है, मेरे को भी तो कुछ बताओ। देखो KGF का पहली आपको बता दूं, इसमें यश है, कन्नड़ का सुपर स्टार है वो, उसे आज ज्यादा आए हुए टाइम इंडस्ट्री में, पर जब से आया है अपने आप में एक अलग चीज है। पहली बात, उसके अपोजिट है श्रीनिधि शेट्टी, क्या क्यूट लड़की है, उफ। और इन सबसे बड़ी बात उसमें मौनी रॉय का हो, क्या गली गली मजा आ गया देख के। मुझे चीज पूछनी है, क्या तुमने अभी बोला श्रीनिधि शेट्टी, मुझे सच बताऊं ट्रेलर देख के क्या लगा था, यश के अपोजिट मौनी रॉय है? नहीं नहीं नहीं, मौनी रॉय का उसमें आइटम सॉन्ग है, लेकिन आइटम सॉन्ग भी गजब का है, गली 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 उसमें एक ही आइटम सॉन्ग है। हाँ उसमें ये एक ही आइटम सॉन्ग है, लेकिन और भी गाने हैं, लेकिन ये गाना ज्यादा। ओके मेरा सस्पेंस तोड़ दिया तुमने यार, मुझे लगा अपोजिट होगी वो यश। नहीं नहीं, सस्पेंस तो अभी है, जब क्या नाम है उसके डायलॉग, ओह यस, जब डायलॉग बोलता है ना तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार कुछ ऐसा बनना चाहिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो लोगों की सेवा करते हुए दिखाया जा रहा है, गरीबों के लिए लड़ता है, बुराई को खत्म करता है, पता है बुरे लोगों को मारता है। मेरे KGF को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या बताओ? जब मैंने ट्रेलर देखा ना, मुझे लगा यार यश नेगेटिव रोल करने वाला। नहीं 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 नहीं, उसका रोल है इस टाइप का, ऐसा कह सकते हैं एंटी हीरो टाइप का, मतलब अच्छे लोगों के लिए लड़ता है, बुरों को खात्मा करता है। पर उसने सुनो तो, उसने बोला था स्टार्टिंग में, बोला था ट्रेलर के, जब वो छोटा बच्चा बोलता है मुझे दुनिया चाहिए। हाँ तो वो उसकी माँ ने कहा था ना कि तुझे लोगों के साथ चलना है, लोगों के आगे खड़ा रहना है, ऐसा लगा किंग, ऐसा लगा किंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किंग का रोल, तो वो कह रहे हैं मुझे दुनिया चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं मान सकती मैं कि हाँ वो पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता है। रूल करता है, फिल्म में रूल करता है। अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको फिल्म देखनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कहूंगा इनफैक्ट आपको देखनी चाहिए, शानदार फिल्म, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। पता है कन्नड़ का अब तक का इतिहास बन चुकी है मूवी एक ही दिन के अंदर, जैसे बाहुबली का इंतजार कर रहे थे हम लोग, बाहुबली का सेकंड पार्ट कब आएगा, एक ही दिन में जो मूवी देख के निकल रहा है वो यही कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर कब आएगा। यार वो किस्मत की बात है। हाँ किस्मत की नहीं, मैं मान रही हूँ कि चैप्टर 2 आएगा, अब जीरो का बन पाएगा नहीं, बट क्या पता बन जाए, हो भी सकता है। जीरो का बन तो नहीं बनेगा, मुझे इतना तो मुझे यकीन है। क्यों, अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा आगे निकलती है, अच्छा नाम कमा लेती है, तो उसका सेकंड पार्ट लोग डिमांड करते हैं कि हाँ आना चाहिए, हमारी जनता डिमांड करती है आना चाहिए। हाँ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन KGF का सेकंड पार्ट आएगा ये तो अभी से तय है। हाँ वो मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो आपने बजट पूछा था मेरी मूवी का, जीरो का, कि क्या अपेक्षा है मेरी बजट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपकी क्या है? इसमें इसका बजट 80 करोड़ है, लेकिन हो सकता है कि ये शाहरुख खान के बराबर पहले दिन में इतना ना कमा पाए, लेकिन कमाएगी अच्छा अपने 80 करोड़ के हिसाब से, और हो सकता है कि ये, लेकिन आप मूवी देखोगी ना
80 करोड़ में 800 करोड़ का धमाका है, हो सकता है 800 करोड़ ना कमाए पर 800 करोड़ जैसा धमाका है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बोल रहे हो कि 80 करोड़ में ठीक है, लेकिन देखो जो 200 करोड़ रुपए हमारी जीरो में लगे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे तो शाहरुख खान को उनके कैरेक्टर में दिखाने के लिए लगे हैं, वीएफएक्स को लेकर, कैमरा, एडिटिंग, सब कुछ, क्योंकि ये किसी को बोना दिखाना कोई आसान काम तो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे वीएफएक्स चाहिए। देखिए मैडम, इसमें वीएफएक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, 60 और 70s का इंडिया दिखाया गया है, बहुत 80 करोड़ खर्च हुआ है सिर्फ उसी चीज पे, पुराना इंडिया दिखाने के लिए, ठीक है, और इसके एक्शन सीन्स पे जब आप देखोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा, ना आप जीरो को बुरा कहोगी ना केजीएफ को, लेकिन दोनों बुरा तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, बात ये है। बोलो तो क्या बोल रही हो आप? मैं ये बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो 80 करोड़ का बजट लगा है वीएफएक्स को लेकर, ठीक है मैं मान रही हूँ, लेकिन वीएफएक्स इतने हाई लेवल के नहीं होंगे शायद, क्योंकि किसी को बोना दिखाना यार, वीएफएक्स में सारा काम कर रहा है, पैसा वगैरह सब उसी में लगा है, ये भी तो सोचो। अब आखिरी में बात यह है मैडम कि मैं तो जीरो देखने जा रहा था लेकिन गलती से केजीएफ देखा है, सेम चीज मेरे साथ हुई है। हाँ लेकिन आप भी अच्छा बोल रही हो कि वो जीरो अच्छी है, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ केजीएफ अच्छी है, तो एटलीस्ट दोनों मूवी अच्छी हैं और अपने अपने हिसाब से कमाएंगी भी और हिट भी होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चैप्टर टू तो आएगा केजीएफ का, क्या जीरो का वन पार्ट आएगा, इतना है दोस्तों? मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से जीरो को सब डिमांड में ले रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ जीरो का सेकंड पार्ट बनना चाहिए, तो क्या लगता है, थोड़ा मूवी देखो, दिमाग लड़ाओ और कमेंट बॉक्स में वापस आओ और मुझे बताओ क्या लगता है जीरो का सेकंड पार्ट बनेगा। दोस्तों 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिया के लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान यानी कि बादशाह खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई, तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए आई, और वहीं कन्नड़ के एक और सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड़ की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है। इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उद्योग को नुकसान के साथ साथ फायदा भी हुआ, क्योंकि इस बार ऑडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें, जहां शाहरुख खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ साथ फुल ड्रामा फिल्म है, तो वहीं केजीएफ एक एक्शन फिल्म है, और वहीं मारी 2 एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें सोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है, और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स, इन सारी चीजों को मिलाकर करीब फिल्म इंडस्ट्री को 300 करोड़ का फायदा हो रहा है, और 21 दिसंबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब 100 करोड़ का फायदा हुआ। अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संदर्भ में हुआ कि हर स्टार की ऑडियंस बढ़ गई, और ऑडियंस बढ़ने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है, हालांकि ये पहला दिन रहा इसीलिए ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड़ का नुकसान होगा। अगर अब बात करें जीरो की, तो जीरो ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था। जी हाँ, और जीरो का कुल फर्स्ट डे कलेक्शन देखा जाए तो जीरो के खाते में करीब 230 करोड़ के आसपास गया है, और इससे ये कहा जा सकता है कि जीरो फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है, और फिल्म का सुपरहिट होना तो निश्चित है, क्योंकि जीरो ने इंडिया और देश विदेश को मिलाकर 58 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और अगर वहीं बात की जाए साउथ के बाहुबली यानी केजीएफ की, तो उसने पहले दिन 15 करोड़ का बिजनेस किया है। दोस्तों वही मारी 2 अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म ने 2-3 करोड़ का कलेक्शन किया है, और अगर इन कलेक्शन के आंकड़ों को आधार बनाकर बात की जाए तो शनिवार को छुट्टी होने की वजह से तीनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर उछाल देखा जा सकता है, और माउथ पब्लिसिटी का फायदा भी मिल सकता है। अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो जीरो करीब 30 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, और वहीं केजीएफ करीब 20 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। तो जब भी दो फिल्में या तीन फिल्में एक साथ रिलीज होती है तो अक्सर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्में होती हैं तो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता,
और दोस्तों वहीं अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए सनी देओल और आमिर खान को, तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबित हुई हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शाहरुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई हों। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब चाहे कन्नड़ का सुपरस्टार आए या फिर साउथ का सुपरस्टार, और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो हैं। वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है। दोस्तों वहीं केजीएफ और मारी 2 के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, क्योंकि केजीएफ और मारी 2 में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है। और दोस्तों अगर बात करें केजीएफ के सुपरस्टार यश की, तो आज की यूथ में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। और वैसे भी केजीएफ की तुलना अमिताभ बच्चन की दीवार से की गई है, और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे कि फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए। और इसलिए केजीएफ के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी। दोस्तों मारी 2 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी एक स्लो पॉइजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी, क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलोइंग है। और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि मारी 2 और केजीएफ की टक्कर से सीधा जीरो को फायदा होगा, क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलोइंग साउथ में ज्यादा है, लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है। इसीलिए सारे आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शाहरुख खान की फिल्म जीरो को होगा। और दोस्तों वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि SRK के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शाहरुख को ट्रोल भी किया है और इसीलिए उनके शुभचिंतकों में एक तरह से भय फैल गया है कि कहीं शाहरुख की जीरो फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, SRK की जीरो फ्लॉप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी। जीरो फिल्म के हीरो शाहरुख खान का स्टारडम किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है, और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर स्पीड पकड़ेगी, जिस प्रकार से बाहुबली 2 ने स्पीड पकड़ी थी। क्योंकि जीरो की कहानी में जो बहुआ सिंह है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जीरो फिल्म बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जनता के दिलों में रच और बस जाएगी। और दोस्तों ये भी सच है कि शाहरुख खान की जीरो फिल्म पर अनुष्का की शादी का फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ा है, क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिकता का प्रतीक है, जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्ट्रेस जैसे ही शादी करती है उनका स्टारडम गिर जाता है, जो कि एक प्रकार से हीरोइन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आया है और आज भी जारी है। लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का, ये कब शिक्षित होगा? और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश की प्रत्येक नारी शिक्षित नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना सक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो कि हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है, अगर वहाँ पर नारियों के साथ विक्टिमाइजेशन हो सकता है तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो कि एकदम गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकार से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं, हीरोइनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस इंडस्ट्री का मिथक हटेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसमी चटर्जी मात्र एक ऐसी हीरोइन है जो शादी के बाद इंडस्ट्री में आई और पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। 21 दिसंबर 2018
एक बहुत ही अहम दिन है फैंस के लिए, क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की जीरो और दूसरी कन्नड़ एक्टर यश की केजीएफ चैप्टर फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आइए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शख्स पर क्या असर पड़ेगा, फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कन्नड़ सुपरस्टार यश या फिर आप लोग पर। जी हाँ, यानी कि वो लोग जिनके इख्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता। दोस्तों जीरो और केजीएफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतीय फिल्म उद्योग को कितने करोड़ का फायदा होगा, ऐसे कई सारे सवाल जहन में आते हैं। और जहाँ तक कि देखा जाए, अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारतीय फिल्म उद्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा दो फिल्में रिलीज होने पर होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक ज्यादा ही होगा। एक तरफ जीरो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है तो दूसरी तरफ केजीएफ चैप्टर फर्स्ट रितेश शिडवानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट की है। वहीं दोनों मूवीज के कम्बाइंड कलेक्शन की बात की जाए तो 1000 करोड़ का मुनाफा तो हो ही सकता है, मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन सी फिल्म कितना कमाएगी। अगर शाहरुख खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं और उनकी कमाई भी इतनी बेहतरीन नहीं हुई है। पिछली फिल्में कुछ ज्यादा खास न जाने की वजह से इस बार फैंस को SRK की जीरो से बेहद उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी ओर यश जो कि कन्नड़ सुपरस्टार हैं पर साउथ में बेहद प्रचलित भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाब साबित भी हुआ है, तो उनके फैंस को भी केजीएफ का बेसब्री से इंतजार है। बल्कि अब तो आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा न हो कि SRK की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुख मोड़ लें। बेशक कि लोगों को जीरो का उतनी ही शिद्दत से इंतजार है, मगर कहीं ना कहीं KGF का ट्रेलर जीरो के ट्रेलर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और इन सब से बचने के लिए जीरो का जोर शोर से प्रमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबें निकाली जा रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में मेकिंग ऑफ सॉन्ग मेरा नाम तू यूट्यूब पर लॉन्च हुआ। सूत्रों के मुताबिक KGF 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होगी जिसमें एक लैंग्वेज हिंदी भी होगी। अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो ऑडियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी। KGF का जीरो के साथ क्लैश होने पर जीरो पर असर तो जरूर पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वहीं दूसरी तरफ रितेश शिडवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए। उनका मानना है कि स्पेस बहुत है। रही बात 21 दिसंबर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साउथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है। ये फिल्म साउथ की 4 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बेशक हिंदी में भी। उनका कहना है कि नॉर्थ इंडिया मार्केट में उतना नहीं जाना जितना कि जीरो का मकसद है। एक्सल एंटरटेनमेंट जो कि रॉकऑन 2, रईस फुकरे सीरीज, गौर जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है, इस बार कन्नड़ फिल्म KGF के साथ आ रही है। रितेश शिडवानी का कहना है कि फिल्म ने लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बाहुबली KGF, जो कि एक पीरियड ड्रामा है, कोलर गोल्ड फिल्ड्स पर आधारित है। जहां तक कि फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लैंग्वेज का बैरियर तो रह ही नहीं जाता। दोस्तों KGF प्रशांत नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। और दोस्तों विजय किरागन डूर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं होमप्ले फिल्म्स के बैनर तले। यश और श्रीनिधि लीड रोल में नजर आएंगे। बात की जाए जीरो की तो वो एक रोमांटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमांशु शर्मा ने और निर्देशन किया है आनंद एल रॉय ने। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कलर येलो प्रोडक्शन एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। स्टार कास्ट में है शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ। दोस्तों वहीं जीरो का बजट 200 करोड़ से ऊपर का है तो वहीं KGF का 100 करोड़ से ऊपर का। अब सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान फिर से किंग खान बन पाएंगे। जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंगडम में किंग भी एक ही।
किंग खान ने पूरी जान लगा दी है जीरो फिल्म के लिए और ये बात जाहिर भी होती है जहां सलमान खान इश्कबाजी सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई दिए हैं। जहां तक की बात की जाए सलमान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुमकिन ही है।